हेलो मैडम सर। बंद बंद झालं होतं ऍप सगळ्यांचं, परत हो काय झालं। रिजॉईन करत आहेत ते. रिजॉईन करू द्या आणि ओके आपली 40 लोक झाली की सुरू करून टाका. श्रीकांत बघतोय, टेक्निकली फॉल्ट आहे तो. ओके ठीक आहे ना सर। हाँ मॅडम, तुम्ही सुरू करू शकता. ते हे डिस्कनेक्ट झालं होतं. ठीक आहे. जी सर जी। हाँ सर आले की लगेच कंटिन्यू करा, काय हरकत नाही. हो। सर झालेत जॉईन। करू सर सुरू। शुरू करा मैडम. यस यस. असोसिएशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी की ओर से आयोजित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द मोमेंट ऑफ वाल्मीकि कम्युनिटी इस विषय पर आधारित वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। एसोसिएशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी के अध्यक्ष तथा इस वेबिनार के अध्यक्ष ऑनरेबल डॉक्टर सुखदेव थोराज सर, एक्स चेयर पर्सन यूजीसी एंड आईसीएसएसआर हमारे साथ मौजूद है। सर आपका एसोसिएशन की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द मूवमेंट ऑफ वाल्मीकि कम्युनिटी इस विषय पर चर्चा करने हेतु ऑनरेबल प्रोफेसर डॉक्टर श्यामलाल, प्रोफेसर ऑफ सोशोलॉजी जोधपुर यूनिवर्सिटी जोधपुर राजस्थान एंड फॉर्मर वीसी पटना यूनिवर्सिटी पटना, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका एसोसिएशन की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। वेबिनार के आयोजन की अहम भूमिका निभा रहे हैं डॉक्टर प्रोफेसर विमल थोरात मैडम, डॉक्टर त्रिलोक हजारे सर, डॉक्टर गौतम कामले सर, डॉक्टर श्रीकांत भोते सर, आपका एसोसिएशन की ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज के महत्वपूर्ण चर्चा को सुनने के लिए अनेक राज्यों से उपस्थित हमारे सहभागी श्रोता जो जूम, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम जैसे सोशल माध्यम से वेबिनार के साथ जुड़े हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, एसोसिएशन की ओर से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम सर। साथियों आज की चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले इस चर्चा के आयोजन की भूमिका विशद करने हेतु मैं डॉक्टर गौतम कामले सर, एक्स प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज दीक्षा भूमि नागपुर हमारे साथ उपस्थित है, मैं सर को आमंत्रित करती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? यस। आज का विषय बहुत ही अच्छा है, वाल्मीकि समाज के आंदोलन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान। वाल्मीकि समाज माने उत्तर भारत का प्राचीन अछूत समाज। उत्तर भारत में लगभग सभी भंगी समाज जो लाल बेगा, चूहड़ा, हलालखोर, खाकरू, मेहतर आदि नामों से पुकारे जाते थे, वे वाल्मीकि बन गए। आज उत्तरी भारत के 10 प्रदेशों में वाल्मीकि कहलाने वाले दलित मिलते हैं। भंगी समाज द्वारा नया नाम अपना लेने से हिंदुओं के राजनीतिक तथा आर्थिक उद्देश्य पूरे हो गए, जैसा कि महाराष्ट्र में हरिजन समाज। इस समय जब वैष्णव जन को बचाने की समस्या थी, हिंदुओं की जनसंख्या बचाने का प्रश्न चिन्ह था, उसे ईसाई तथा मुस्लिम समाज में जाने से रोकना था, तब वाल्मीकि यह नया नाम उत्तरी भारत के अछूत समाज को देने का प्रचार प्रसार बहुत जोरों से हुआ। वही वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखा, यह नाम मिलने से छुआछूत कुछ सीमा तक मिट जाएगी, समाज में समानता आएगी तथा उत्तरी भारत एक होगा, यह समझकर यह नाम को स्वीकारा गया। उस समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी बाबा साहब इस वाल्मीकि समाज को कौन सी दिशा दे रहे थे, यह एक उत्कंठा का विषय है। आज यूं भी शिक्षित व्यक्ति वाल्मीकि तहरीक में कोई विश्वास नहीं रखता, वह उसे एक भूल और गलती समझता है और बाहर निकलकर इसे भयानक स्वप्न की तरह भुला देना चाहता है। बाबा साहब अंबेडकर की शिक्षा से प्रभावित लोग इन त्योहारों को कोई महत्व नहीं देते, यह निरीक्षण क्या सही है? यदि देश की अछूत जातियां स्वतंत्र ढंग से
जीते हुए जातिवाद, गुलामी, अज्ञानता, अस्पृश्यता तथा अंधविश्वासों से मुक्त होकर सही मायने में जागृति तथा उन्नति की ओर चलना चाहती है, तो उन्हें डॉक्टर अंबेडकर के दिखाए हुए रास्ते को अपनाना पड़ेगा। यह निरीक्षण एडवोकेट भगवान दास साहब का है। आज वाल्मीकि समाज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहा है, यह भी प्रश्न हमारे सामने है। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन यह प्रश्न हमारे सामने है, इसका जवाब हमें आज मिल सकता है प्रोफेसर डॉक्टर श्यामलाल सर, जोधपुर तथा पटना विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति रहे हैं। कई मौलिक ग्रंथों के वे रचयिता है तथा डॉक्टर अंबेडकर तथा वाल्मीकि समाज पर उनका गहरा अध्ययन तथा अनुसंधान भी रहा है। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, मैं यही रुकना चाहता हूँ, लेकिन ये जो प्रश्न आज के इस वेबिनार में हमारे सामने है, उन प्रश्नों का सही उत्तर आज मिलने की बड़ी संभावना है। मैं सभी का स्वागत करता हूँ और ये जो परिचर्चा है वो आगे ले जाने का प्रयास करता हूँ। थैंक यू। जैसे इकोनॉमिक कंडीशन की बात की थी, हमें ये लगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो सोशल मूवमेंट वाल्मीकि समाज में है, उसके बाद उसका भी चर्चा होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर श्यामलाल के अलावा किसी ने इतने गहराई से और इतना डिटेल में अभ्यास किया हो। तो वो हमारे साथ, उनकी किताब भी है डॉक्टर अम्बेडकर मूवमेंट एंड वाल्मीकि, और फिर उनकी और दूसरी किताबें हैं, तो वो हमें इस इशू के बारे में और इंसाइट हमें देंगे। बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, वो प्रोफेसर रहे जो जोधपुर यूनिवर्सिटी में कई सालों तक, उसके बाद उसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, उसके बाद जब गवई साहब बिहार के गवर्नर थे तो उन्होंने उनको वाइस चांसलर बनाया। वो पटना यूनिवर्सिटी के 5 साल वाइस चांसलर रहे, बड़े सक्सेसफुली उन्होंने किया अपना एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमें खुशी है कि वो इस इशू पे गहराई से हमारे बात करेंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको शुरू करें। जी सर, थैंक यू। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द मूवमेंट ऑफ वाल्मीकि कम्युनिटी, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं रिस्पेक्टेड ऑनरेबल प्रोफेसर डॉक्टर श्यामलाल सर जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं मिस सारिका पाटिल मैडम, लाइब्रेरियन श्री निकेतन आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज नागपुर से हमारे साथ है, मैं उन्हें सर का परिचय देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मैडम। मैडम मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम आ रही है। थैंक यू। धन्यवाद मैडम। माननीय प्रोफेसर डॉक्टर श्यामलाल सर पटना विश्वविद्यालय पटना बिहार के कुलपति रह चुके हैं। इससे पहले सर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति तथा राजस्थान विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति भी रह चुके हैं। सर राजस्थान सरकार के कला साहित्य और संस्कृति विभाग के अंबेडकर फाउंडेशन में पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष पद पर भी कार्य कर चुके हैं। पूर्व में सर ने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के समाजशास्त्र विभाग में प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च एंड एम्प्लॉयड एंथ्रोपोलॉजी कोलकाता के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। सर कई वर्ष तक राजस्थान विश्वविद्यालय समाज विज्ञान अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में भी काम कर चुके हैं। उन्हें ICSSR की डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल फेलोशिप भी 2002 और 2004 और 5 में प्राप्त हुई है। प्रोफेसर
डॉक्टर श्यामलाल सर बहुसर्जक लेखक भी है। उनकी कुल 22 पुस्तकें तथा विभिन्न पत्रकाओं में 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। सर ने लिखी हुई कुछ किताबों के नाम इस प्रकार है: अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भांगी वाइस चांसलर, ट्राइबल लीडरशिप, द भांगी स्वीपर कास्ट इट्स सोशियो स्पेशियल रेफरेंस टू जोधपुर सिटी, डॉक्टर अम्बेडकर और वाल्मीकि समाज, स्टडीज इन सोशल प्रोटेस्ट, द भांगी, द चेंजिंग भांगीज ऑफ इंडिया, द भांगीज इन ट्रांजिशन, बाबा साहब और भांगी जातिया। क्या वाल्मीकि और अच्युत थे? वाल्मीकि जयंती और भांगी जातिया कुछ चुनी हुई किताबों के नाम मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। सर को 46वां भारतीय समाजशास्त्र परिषद का सम्मेलन भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में दिसंबर 2021 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में माननीय सर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ऐसे बहुआयामी व्यक्तिमत्व आज हमारे बीच उपस्थित है। मैं परिचय को पूर्ण विराम देते हुए आज के कार्यक्रम के स्पीकर माननीय प्रोफेसर डॉक्टर श्यामलाल सर को आमंत्रित करती हूँ। माननीय डॉक्टर श्यामलाल सर, नमस्कार। इस वेबिनार के साथ जुड़ने वाले तमाम मेरे भाई और बहनों को जय भीम। सर्वप्रथम तो मैं इस वेबिनार के अंदर मुझे अपनी बात कहने का जो अवसर माननीय भट्ट साहब ने मुझे जो दिया है और उनकी संस्था ने जो मुझे अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से हृदय से उनका बार बार आभार प्रकट करता हूँ। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने वेबिनार के इस विषय पर अपनी बात कहते हुए जो उन्होंने बहुत ही संक्षेप के अंदर अपनी बात पेश की, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रोफेसर गौतम साहब ने जब इस विषय के संदर्भ में बहुत ही सागर्भित अपना प्रारंभिक वक्तव्य पेश किया तो मुझे लग रहा था कि शायद इस सेमिनार की श्रृंखला में इस कम्युनिटी से संबंध रखने वाले विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई होगी। लेकिन जब मैंने उनके वक्तव्य को गौर से सुना तो ये महसूस हुआ कि आज इस कौम से संबंध रखने वाले आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को लेकर के देश की मूर्धन्य संस्थाएं उस पर चर्चा कर रही है और उसमें आपकी इस संस्था ने भी पहल की है। इसके लिए मैं पुनः इस संस्था को और मैं थोरट साहब को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहाँ तक अछूतों में भी अछूत कही जाने वाली कम्युनिटी, जिसे कि हाल ही के अंदर समाज के लोगों ने चाहे मन से चाहे बेमन से वाल्मीकि शब्द इस्तेमाल कर लिया हो, लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत राय यह है कि ये वाल्मीकि शब्द इस कम्युनिटी की असलियत को किसी भी रूप में दर्शाता नहीं है, उससे दूर का भी कोई ताल्लुक या कोई संबंध नहीं है। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत मान्यता है। जहाँ तक इस विषय से संबंध रखने वाली बात का ताल्लुक है, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब जब भी इस मुल्क के अंदर अछूतों को लेकर के, दलितों को लेकर के या समाज के पिछड़े हुए वर्ग से संबंधित रखने वाली जब चर्चा हुई है, तो निश्चित तौर पर इस मुल्क में दो शख्सियत का नाम गिनाया जाता रहा है। एक शख्सियत है जिसका नाम कि हम बार बार अपने दैनिक जीवन के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं और आज उसी शख्सियत की ये देन है कि ये समाज का पिछड़ा हुआ तबका आज वर्तमान तकनीकी के माध्यम से एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहा है जिसका श्रेय अगर देना हो तो और किसी शख्स को नहीं जाएगा, ये वही शख्स थे जिनको कि आज हम स्मरण करके
अपने उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं और वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जब जब भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लिया जाएगा तो निश्चित तौर पर एक दूसरे शख्स का भी चर्चा किए बगैर हम नहीं रह सकते, क्योंकि बात भी अपने आप में अधूरी रहेगी अगर हम उस शख्स का भी जाने अनजाने में जिक्र ना करें। जाने अनजाने में जिक्र ना करने से मेरा सीधा ताल्लुक या संकेतात्मक भाषा के अंदर इशारा मेरा महात्मा गांधी की तरफ है, क्योंकि जब जब भी इस इश्यूज के ऊपर चर्चा होती है तो खास करके गांधी का नाम भी लिया जाता है और अम्बेडकर का भी नाम लिया जाता है। इस वक्त मेरी चर्चा का केंद्र बिंदु गांधी तो नहीं है, मात्र और मात्र डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जैसा कि थोरवे साहब ने भी अपने उद्बोधन में मेरे संबंध में एक बात को लेकर के उल्लेख किया है कि मैंने एक पुस्तक का भी जो है अपने प्रकाशन किया है। इस पुस्तक की बैकग्राउंड के पीछे मेरी जो सोच थी वो ये थी कि 2000 के अंतर्गत दिल्ली के अंदर बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही थी, और जब जयंती मनाई जा रही थी तो वो उसी सभागार में बैठे हुए एक वाल्मीकि शख्स ने, जो कि काफी पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लड़का था, उसने जो है अपनी मेन स्पीकर जो थे उससे एक उसने एकाएक खड़ा हो करके एक सवाल पूछ बैठा, और वो सवाल ये था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तो केवल और केवल जो है अपनी चमार जाति के लिए काम किया है। मैं चमार जाति का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उस लड़के ने भी इसकी जाति का जिक्र किया था, और उसने कहा कि उन्होंने तो मात्र केवल चमार जाति के लिए काम किया और हमारे वाल्मीकि समाज के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कुछ भी काम नहीं किया। दूसरा उदाहरण ये है मेरे सामने कि मैं जब उत्तर प्रदेश के अंदर वहां के अग्नेलाल और उनके लड़के ने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का शीर्षक था दलित आंदोलन इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में दलित आंदोलन। ये किताब जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि उस किताब के अंदर प्रोफेसर अग्नेलाल जी ने एक घटना विशेष का जिक्र किया जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जब वो रेलवे के बेगुन के अंदर बैठ करके कानपुर पहुंचे तो वहां पर कुछ वाल्मीकि समाज के लोगों ने ग्रुप बना करके और अम्बेडकर साहब के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे थे। अम्बेडकर साहब तो विजनरी थे और उन्होंने इस बात का अंदाजा पहले ही लगा लिया था कि इनको किसी ना किसी शख्स के द्वारा भेजा गया है मेरे खिलाफ में, तो उन्होंने तत्काल अपने किसी मैसेंजर को भेजा और कहा कि इनमें से 2-4 व्यक्तियों को बुला करके लाइए। उन 2-4 व्यक्तियों से बाबा साहब ने जब सवाल जवाब किए तो उन्होंने कहा कि आपने तो केवल चमारों के लिए ही काम किया है, हम वाल्मीकियों के लिए आपने कुछ भी काम नहीं किया है। जब बाबा साहब ने ये बात सुनी तो उन्होंने उन लोगों से कहा कि आप मेरे सैलून में जाइए, लोकांना आवाहन करा माइक बंद ठेवा म्हणून डिस्टर्बन्स होता, आप मेरे सैलून में जाइए और वहां पर मेरे जो आदमी बैठे हैं उनके नाम और जाति को लिखकर चलाइए। अग्नेलाल जी ने ये बात अपनी पुस्तक के अंदर स्पष्ट की है कि उस सैलून के अंदर बैठे हुए लोगों की संख्या 20 थी और 20 में से 18 आदमी वाल्मीकि समाज को बिलोंग करने वाले थे और 2 व्यक्ति एक महाराष्ट्र से था और एक मद्रास से था। जब बाबा साहब ने उनको बुला करके सवाल का जवाब दिया तो उन्होंने अपनी गलती को रियलाइज किया और उनका ये कहना था कि सर हम तो नहीं आना चाहते थे लेकिन हमें एक राजनीतिक दल विशेष के लोगों ने उकसा करके आपके खिलाफ में नाराबाजी लगाने का हमें ये बात कही थी इसलिए हम आए। और उन्होंने बाबा साहब के चरणों में अपना सिर झुका करके क्षमा याचना मांगी।
मेरा कहने का अभिप्राय उन दोनों ही दृष्टांतों से ये है कि बाबा साहब के संदर्भ में एक राजनीतिक दल विशेष ने प्रारंभ से ही ये अभियान चला रखा था कि इस दलित कम्युनिटी को या समाज को बाबा साहब के नज़दीक नहीं जाने देना है, और इसलिए जब जब भी उनको मौका मिला तो उन्होंने उनके खिलाफ में कुछ बातें भड़का करके और उनको दूर करने का प्रयास किया। ऐसे अनेकों दृष्टांत मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में लोगों से सुने हैं। क्योंकि मैं राजस्थान और राजस्थान में भी जोधपुर को बिलोंग करता हूँ, तो जोधपुर के अंदर हमारे एक समाज के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता थे और उन्होंने देश के लिए अपनी लड़ाई भी लड़ी, उनको स्वतंत्रता सेनानी का खिताब भी दिया गया। आज वो हमारी इस दुनिया में नहीं है। एक बार एकाएक मैंने उनसे एक सवाल पूछ बैठा कि गुजराती साहब, आप इतने लंबे समय से कांग्रेस के साथ में जुड़े रहे हैं, क्या आप मुझे कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो कि कांग्रेस के पक्ष में या विपक्ष में जाती हो? तो उन्होंने कहा कि श्यामलाल, मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें नहीं कह सकता, वरना दूसरे दिन ही मेरी दुर्दशा जो होगी उसका मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। कहने का अभिप्राय यह है कि एक राजनीतिक दल विशेष ने बाबा साहब के साथ में जुड़ने वाले इस जातीय समुदाय को हमेशा ही अपने मन के उद्गार उल्टे सीधे तरीके से पेश करके उनको दूर करने का प्रयास किया, और उसका नतीजा हम देखते हैं कि बाबा साहब के साथ में ये समाज उस तरीके से नहीं जुड़ पाया जिस तरीके से दूसरे दलित समाजों ने अपने को बाबा साहब के जोड़ पाए। और आज हम ये देख भी पा रहे हैं कि जिन समाजों ने भी बाबा साहब को अपना मसीहा माना, जिन्होंने अपने आप का उद्धारकर्ता माना, आज उनकी समाज के अंदर स्थिति कैसी है। और जैसा कि प्रोफेसर गौतम ने भी इस बात का जिक्र किया अपने संबोधन के अंदर कि समाज के बहुत सारे ऐसे दलित समूह हैं जिन्होंने कि बाबा साहब को अपना करके अपनी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, ब्यूरोक्रेटिक और राजनीतिक के अंदर अपनी पहचान बना ली है, लेकिन ये आज भी उसी स्तर पर अपनी स्थिति को पा रहा है जिस स्थिति पर आज से दशकों पहले ये मौजूद था। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिन कारणों ने मुझे उद्वेलित किया, इस बात के लिए विवश किया कि इन सवालों का जवाब मुझे देना चाहिए। और मैंने इन सवालों के जवाब देने के लिए करीब 3-4 साल तक दिल्ली है, जोधपुर है, जयपुर है, इनके में चक्कर काटता रहा, लाइब्रेरी खोजता रहा, कुछ पंजाब के लोगों से भी मेरी मदद हुई। कई बार मैं दिल्ली जा कर के जो वाल्मीकि मंदिर है पंचकुला रोड पर, वहाँ पर मैंने डेरा डाला, उन लोगों से इंटरेक्शन किया और कुछ तथ्यात्मक चीज़ों को मैंने कलेक्ट किया। कहने का अभिप्राय है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर लेबर मेंबर के तौर पर इंडक्ट कर लिए गए थे, तब उनकी पीड़ा को जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, सोचते हैं, उसका बयान मैं समझता हूँ कि आज तक किसी भी स्कॉलर ने या किसी भी दार्शनिक ने नहीं वर्णन किया है। स्वयं उनके बंगले पर रहने वाला एक वाल्मीकि का दयाल करके जो वहाँ का एक लाइब्रेरियन था, बाबा साहब की लाइब्रेरी को देखने वाला, उसने अपने संस्मरणों के अंदर बाबा साहब के संदर्भ में और वाल्मीकि समाज के संदर्भ में जिन बातों का उल्लेख किया है, उसको पढ़ने के बाद में लगा कि इस पर भी कुछ काम होना चाहिए। और मैंने लिखा, और लिखने के बाद के अंदर 2018 के अंदर मैंने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका टाइटल भी मैंने रखा बाबा साहब अम्बेडकर एंड दिभंगी समाज। आज मैं ये देखता हूँ कि बाबा साहब को ज़्यादातर हम लोग इस बात से जानते हैं कि उन्होंने देश के लिए, मुल्क के लिए एक संविधान बना करके दिया, लेकिन कुछ वर्षों पहले मैं थोर्ड साहब की किताब पढ़ रहा था और थोर्ड साहब ने इस बात का जिक्र किया है कि बाबा साहब ने अपनी राइटिंग और स्पीचेज के अंदर भी हम लोगों की दुर्दशा का जिस तरीके से बयान किया है,
और बयान भी नहीं किया है, बल्कि उन दुर्दशा को किस तरीके से दूर किया जा सकता है इसके संदर्भ में भी बहुत कम काम हुआ है। लेकिन आज कुछ किस्मती है कि आज अलग अलग स्कॉलर्स ने बाबा साहब के इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को लेकर के बहुत सारा लिटरेचर उन्होंने प्रकाशित कर दिया है, और आज उन लिटरेचर के माध्यम से ये बात कही जाती है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इन पिछड़ों को, इन उपेक्षित वर्ग के लोगों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जो उन्होंने रास्ते बताए और जिस बात की उन्होंने वकालत की उसका पूरा चित्रण हमें देखने को मिलता है। ये बाबा साहब भी थे जिन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जो प्राकृतिक संपदा है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए जिससे कि समाज का ये तबका अधिक से अधिक मात्रा में उनका लाभ उठा सके और लाभ के साथ साथ में अपनी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति को वो उन्नत कर सके। इस तरीके की फिलॉसफी, इस तरीके का दृष्टांत अगर हमें किसी शख्स की सोच में देखने को मिल रहा है तो वो शख्स और कोई नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सोच थी। मैं इस वेबिनार के माध्यम से तमाम जुड़े हुए मेरे स्कॉलर साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार की ग्रंथ फहमियाँ वाल्मीकि समाज और अम्बेडकर को लेकर के फैलाई गई थी, फैलाई जा रही है, उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। और इस संदर्भ के अंदर मैं डॉक्टर भगवान दास का जरूर जिक्र करना चाहूँगा। डॉक्टर भगवान दास 1942 के अंदर जब डॉक्टर अम्बेडकर साहब लेबर मिनिस्टर बन गए थे तो उनका कुछ समय शिमला में भी कटता था। गर्मी के दिनों में उनकी पूरी मिनिस्ट्री शिमला चली जाती। वहां पर डॉक्टर अम्बेडकर के साथ, सॉरी, भगवान दास जी की मुलाकात डॉक्टर साहब के साथ में होती है। तो डॉक्टर साहब ने न केवल भगवान दास जी को अपने विभाग के अंदर एम्प्लॉयमेंट देने का उन्होंने उसको अवसर दिया, बल्कि इस कौम के जितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति थे उन पढ़े लिखे व्यक्तियों को उन्होंने अपने विभाग के अंदर संरक्षण दिया, रोजी रोटी दी। इन तथ्यों को आज तक हम कहीं पर भी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं ला सके, और इसी के कारण इन लोगों के दिल और दिमागों के अंदर इस प्रकार की गलत फहमियाँ पैदा होती है। मैं यहाँ इस बात का भी जिक्र करना चाहूँगा कि जब वो वाइस चांसलर अपने वाइस रॉय के काउंसिल में थे, एज ए मेंबर कहिए या मिनिस्टर कहिए, उस वक्त उन्होंने दलित समाज से संबंध रखने वाले करीब 16-17 व्यक्तियों को उन्होंने विदेशों के अंदर तालीम लेने के लिए भेजा था। विदेशों में भेजने के पीछे बाबा साहब की दूरदृष्टि केवल यही थी कि ये समाज के गरीब तबके के लोग जब पढ़ लिख करके विदेशों से यहाँ आएंगे तो वो अपनी समाजों में जा करके इन पिछड़े और उपेक्षित वर्ग के लोगों की आर्थिक, सामाजिक या शैक्षणिक स्थिति के सुधार में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करें। इसी संदर्भ में मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि इसी वाल्मीकि समाज का एक शख्सियत जिसे प्रोफेसर यशवंत राव के नाम से पुकारते हैं, पंजाब के रहने वाले थे, वो विदेश गए। विदेश से लौट करके आए तो पंजाब की कैबिनेट के अंदर वो मंत्री बने। ये तमाम ऐसे काम हैं जिनको कि बाबा साहब ने अपने जीवन काल के अंदर उनको कामयाबी दिलवा करके एक निशान पैदा की। यहाँ तक कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जब गठन किया था तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के तहत उन्होंने शिमला के अंदर रहने वाले 2-4 वाल्मीकि समाज के व्यक्तियों को एक राजनीतिक जिम्मेदारी भी दी, और उस राजनीतिक जिम्मेदारी के कारण वो लोग बाबा साहब की विचारधाराओं को फैलाने में कामयाब भी हुए। तो चाहे राजनीतिक दृष्टि से लें, शिक्षा की दृष्टि से दें, और चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के नाम से देखें,
बाबा साहब का योगदान इस कम्युनिटी के संदर्भ में जो रहा है वो आज तक किसी राजनीतिक दल का नहीं रहा। जहाँ तक बॉम्बे का और दिल्ली का प्रश्न है, मैं यहाँ इस बात का भी उल्लेख करना चाहूँगा कि बॉम्बे के अंदर बाबा साहब के नेतृत्व में और उनकी विचारधारा के अनुरूप ही पहली बार इन सफाई कर्मचारियों का एक संगठन बना था। ये बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, या मैं इस बात को मान करके चलता हूँ कि महाराष्ट्र के लोग तो जानते होंगे कि बाबा साहब ने ही पहली बार वहाँ की नगर परिषद या नगर निगम, जो भी आप नाम देना चाहते हैं या जो भी उनका नाम प्रचलन में है, उनके अंदर पहली बार इन्होंने सफाई कर्मचारियों की यूनियन का गठन किया और इस तरीके से उनको एकता के सूत्र में बांध करके अपने राजनीतिक हक और हकों की लड़ाई के लिए तैयार किया। ऐसा तो मुझे कहीं नजर नहीं आता कि जो अपने आप को इस तरीके से इस समाज के लिए समर्पित कर दिया हो। यही नहीं, उन्होंने दिल्ली के अंदर भी इस प्रकार के यूनियन का उन्होंने गठन किया और गठन करके वहां पर भी एक ऐसा संगठन तैयार किया जो उनके हक और हकूकों के लिए लड़ सके। मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि बाबा साहब जब लेबर मिनिस्टर बन गए थे और उस वक्त मुल्क की अलग अलग नगर निगमों के जो एक्ट बने हुए थे, उन एक्ट के अंदर जिस प्रकार के प्रावधान रखे थे ब्रिटिश हुकूमतों ने, उन प्रावधानों की एक झलक मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। और वो झलक इस मायने में कि अगर कोई सफाई कर्मचारी किन्हीं भी कारण से एक दिन के लिए भी अगर वो अनुपस्थित हो जाता है अपनी सर्विस से, तो ऐसी स्थिति में उसे सस्पेंड तो क्या, उसे सर्विस से ही बर्खास्त कर दिया जाता था, और तो और उसे 15 दिन या 20 दिन की जेल भेजने का भी प्रावधान उन एक्ट के अंदर रखा गया था। ये दुर्दशा जब उन्होंने देखी, चाहे उस वक्त की रेलवे की बात करें हम, चाहे एयरपोर्ट की बात करें, और चाहे मिलिट्री से संबंध रखने वाले ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सफाई कर्मचारियों को डायरेक्ट कभी भी हकूमत एम्प्लॉयमेंट नहीं देती थी। और बाबा साहब ने आकर के उन्होंने पहली बार उन एक्ट के अंदर परिवर्तन करने का अभियान शुरू किया, और जिस अभियान का प्रभाव ये पड़ा कि कम से कम इनका रिक्रूटमेंट ठेकेदारों के माध्यम से ना हो करके हकूमतों के माध्यम से होने लगा, और जो परेशानियां इनके सामने आती थी उनको दूर किया गया। तो ये तमाम ऐसे प्रयास हैं जिनका प्रयासों का जनता के अंदर प्रचार और प्रसार होना चाहिए। आप महाराष्ट्र से इन तमाम संस्थाओं को गौण कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर पहली बार अगर सफाई कर्मचारियों की दुर्दशा को दूर करने के लिए अगर किसी के देख रेख में अगर कमीशन का गठन हुआ तो वो महाराष्ट्र था श्रीमान, वो महाराष्ट्र था, और महाराष्ट्र के अंदर ही उन्होंने पहले सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया। और जहां तक मेरी स्मरण शक्ति का सवाल है, मुझे याद है कि एक तो पीटी भोरले थे उसके मेंबर, और एक जो है कि आर आर भोले थे, ये दो व्यक्ति थे जो उस कमीशन के मेंबर अन थे, और बाबा साहब के इंस्ट्रक्शन पर इन्होंने हिंदुस्तान की अलग अलग मतलब जो है अपने इलाकों का अध्ययन किया, और बाद के अंदर इन्होंने गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट की। ताजुब की बात है कि उन्होंने अपने आप को इस समुदाय तक ही सीमित नहीं रखा, दुनिया के उन मुल्कों के सामने भी इस समाज की क्या दुर्दशा है या लेबर क्लास की क्या दुर्दशा है, इसके लिए आर आर भोले को उन्होंने जो है फिलाडेल्फिया भेजा था, और ये उनके सामने इंस्ट्रक्शन था कि जो मुल्क की दुर्दशा है लेबर क्लास की और खास करके सफाई कर्मचारियों की, उसका वहां पर वो तथ्यों के साथ में बयान करें। तो ये बाबा साहब की सूझ थी, ये उनकी एक दूरदृष्टि थी जो कि इस समाज के लिए किसी भी शख्स ने इस नजरिए से नहीं देखा परखा था उनको। और यहाँ तक भी मुझे तो ये भी कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि 56 में बाबा साहब हमारे बीच से चल बसते हैं, और 1957 के अंदर दिल्ली का जो कार्यालय था जहाँ पर कि अम्बेडकर साहब का
लेटर हेड पर फोटोग्राफ्स और उनके नाम होते थे उनको वहां से हटा दिया गया और कांग्रेस और उसके दूसरे लोगों की फोटो रख दी गई। कहने का अभिप्राय है कि जहां जहां भी एक राजनीतिक दल विशेष को इस प्रकार का अवसर मिला उन्होंने हर तरीके से उनको दूर करने का प्रयास किया गया। एक दृष्टांत मुझे यकाएक याद आ रहा है, हिंदुस्तान के वजीर आलम जोधपुर पधारने वाले थे और वो जोधपुर के तमाम दलित कौमों को एड्रेस करने वाले थे और उस एड्रेस का संचालन करने की जिम्मेदारी नरसिंह देव गुजराती को दी, जिसका कि मैंने पहले जिक्र किया है, और उनको कहा कि आप ही इस सभा का संचालन करेंगे। उन्होंने संचालन करने के एक दिन पहले कुछ राजनीतिक नेताओं ने उनसे ये कहा कि जब तुम संचालन करोगे तो इस बात का ध्यान रहे कि बाबा साहब की कोई प्रशंसा नहीं करनी है, बल्कि आप उनको ये भी कहेंगे कि ये हमारे मसीहा नहीं है, हमारे रहनुमा नहीं है। ये बात नरसिंह देव जी ने व्यक्तिगत तौर पर मेरे से कही और उस बात का जिक्र मैंने अपनी पुस्तक में भी किया। कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि एक राजनीतिक दल विशेष ऐसा था जो कि बाबा साहब को हर कीमत पर इनसे दूर करने का प्रयास कर रहा था और आज उसका परिणाम भी हम देख रहे हैं कि दुनिया के हिंदुस्तान के तमाम दलित समाज बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रयत्नशील हैं और उन्होंने उनको अपना मसीहा अपना आदर्श माना। लेकिन ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी ये कौम ये वाल्मीकि समाज अम्बेडकर साहब को उस तरीके से अपना मसीहा स्वीकार नहीं किया जिस तरीके से दूसरे समाज के लोगों ने स्वीकार किया। ये बात मेरे को इसलिए कहने पड़ रही है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है कुछ पढ़े लिखे तब के लोग अब अम्बेडकर को समझने लगे। यहाँ तक कि एक पुस्तक के माध्यम से मैंने ये जानकारी ली और पुस्तक लिखने वाला या लेखक भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वही आपके महाराष्ट्र का डॉक्टर मून है जो दलितों के संदर्भ में महाराष्ट्र की स्थितियों का बहुत ही अपनी लेखनी से बयान करते हैं। उन्होंने ये लिखा है कि जब जब भी बाबा साहब नासिक आते थे तो नासिक आने पर समाज का जो उच्च वर्ग का तबका था वो उनको खाने के लिए आमंत्रित करता था, लेकिन ये बाबा साहब थे जो उस वाल्मीकि मित्र के यहाँ जाते थे और जहाँ तक मुझे नाम का स्मरण है शायद वो आपके राम रतन करके एक शख्स थे जो नासिक में रहा करते थे, बाबा साहब उन्हीं के यहाँ रात्रि का विश्राम करते और उन्हीं के यहाँ वो खाना खाते थे। मैं ये दृष्टांत इसलिए दे रहा हूँ आप लोगों के सामने कि लोग कहते हैं कि कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। मेरा ये इशारा खुले तौर पर गांधी जी की तरफ है। गांधी जी हमेशा ये कहते थे कि कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि कहना कुछ और नहीं और करना कुछ और है। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो जो कहा है उसको कर दिखाया उन्होंने, लेकिन जिसको हम दूसरा मसीह के नाम से संबोधित करते हैं क्या उन्होंने अपनी कथनी और करनी में इस बात का कहीं प्रदर्शन किया है? अब मैं आपको दिल्ली की उस भंगी बस्ती का थोड़ा सा परिदृश्य पेश करना चाहूँगा जहाँ पर गांधी जी को करीब 16 महीना रहने का मौका मिला। मैं चांदी वाले की एक पुस्तक पढ़ रहा था। चांदी वाले गांधी जी के बहुत नज़दीक के व्यक्ति माने जाते हैं और जब जब भी गांधी जी वहाँ आते थे दिल्ली के अंदर तो वो उनके साथ में रहा करते थे। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक के अंदर मैंने ये देखा कि चांदी वाला ये लिखता है और चांदी वाले के अलावा भी आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है और उस पुस्तक का नाम है अनटचेबल फ्रीडम और लेखक का भी नाम मुझे याद आ रहा है विजय प्रसाद करके एक लेखक है और विजय प्रसाद ने आकर के गांधी का जो भंगी बस्ती में रहने का जो एक अभियान था उसके बारे में जो वो लिखते हैं उसको लिखने के बाद में हमारे
समाज के वाल्मीकि लोगों को ये सोच लेना चाहिए कि गांधी की कथनी और करनी में कितना फर्क था। गांधी वहां पर 16 महीना और तक रहे हैं बंगी बस्तियों में रुक करके, कभी कितने दिन कभी कुछ ने दिन, लेकिन टोटल मैंने जो कैलकुलेशन उनके स्टे का किया वो 16 महीने का है। और उस 16 महीने के दौरान में ऐसे कई प्रसंग आए हैं जब वाल्मीकि समाज के लोगों ने गांधी को फ्रूट देने की बात की और उनको कहा कि आप हमारे फ्रूट खा लीजिए। उनका जवाब था कि आप मेरी बकरी को डाल दीजिए, मेरी बकरी इसको खा करके दूध जब मेरे को देगी तो मैं उस दूध को पी लूँगा। दूसरा वो ये कहते थे कि आप हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए। गांधी ने कभी भी उनके यहाँ पर बैठ करके भोजन नहीं किया। जब आत्मीयता डेवलप होती है मित्रों, जब अपने तो जाहिर किया जाता है तो ये उसके एक सिम्टम है कि आप मेरे यहाँ आएंगे मैं आपके यहाँ आऊँगा, आप मेरे यहाँ चाय पियेंगे मैं आपके यहाँ चाय पियूँगा। ये एक बाहरी सिम्टम है जो सिम्टम एक दूसरे को नज़दीक लाता है। गांधी इतने महीने तक वहाँ रहे लेकिन कभी भी उन्होंने इस वाल्मीकि समाज के द्वारा बने हुए खाने को स्वीकार नहीं किया। कभी उन्होंने फ्रूट देने की बात कही तो कभी किसी बहाने टाल दिया। कहने का मतलब ये है कि अब जैसे जैसे उस शख्स ने इस किताब को लिख करके पेश किया, मैं तो पढ़कर के दंग रह गए कि गांधी अपने आप को इन वाल्मीकियों का मसीह कहने वाला, ये स्थिति है उसकी। एक और दृष्टांत में देना चाहता हूँ। भले ही हम लोग इस तरह की बातें कहते हो लेकिन साथियों हकीकत ही है, 1922 के अंदर जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है याद का, चांद का एक अछूत अंक निकला था और मोस्ट प्रोबेबली उसका संपादन भी शायद प्रेमचंद करते थे या संपादक उस वक्त एक द्विवेदी या त्रिवेदी करके एक व्यक्ति थे जो सरयू ब्राह्मण थे, और उन्होंने जो है चांद का अछूत अंक करके एक अंक प्रकाशित किया था। उस मैगजीन के फ्रंट पेज पर ही संपादक महोदय एक चमार जो उनकी प्रेस के अंदर काम करता था उसके साथ में वो खाना खा रहे हैं साथ साथ में बैठकर। आप कल्पना कीजिए 1922 का ये घटनाक्रम है जब हिंदुस्तान के अंदर अस्पृश्यता अपनी चरम सीमा पर थी और हम लोग अपने हक और हकूकों को प्राप्त करने के लिए आंदोलनरत थे। तब उस सरयू ब्राह्मण ने एक चमार को अपनी थाली में खाना खिला रहा था। तब वहाँ के एक लेखक ने जो हिंदी के बहुत बड़े अच्छे लेखक हैं, उन्होंने ये प्रश्न किया कि गांधी इतने महीनों तक बंगी बस्ती में जा करके रह रहे थे, कभी उन्होंने चाय भी पी? या त्रिवेदी जब एक सरयू ब्राह्मण चमार के साथ में भोजन कर सकता है तो क्या गांधी एक वाल्मीकि के साथ या उनके घर जाकर के कभी पानी या चाय या शरबत पी नहीं सकता था? लेकिन कभी भी ऐसा दृष्टांत हमें देखने को नहीं मिलता है। इन तमाम दृष्टांतों को सुनने के बाद और तमाम भिन्न भिन्न लेखकों की पुस्तकों को पढ़ने के बाद में जो असलियत थी उस असलियत को मैंने अपनी लेखनी के माध्यम से पेश करने का एक प्रयास किया। मुझे यकीन है कि हमने बाबा साहब के राजनीतिक पक्ष पर, इकोनॉमिक पक्ष पर, एजुकेशनल पक्ष पर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अभी भी मेरी अपनी मान्यता है कि इस अनछुए पहलुओं पर भी हम सोशल साइंटिस्ट कुछ अपनी कलम उठाए और इस प्रकार के जो विवादास्पद जो प्रश्न आ रहे हैं, जो हमारे लोगों के द्वारा ही उठाए जा रहे हैं, उन लोगों को हमें जवाब देना चाहिए ताकि इस वर्तमान पीढ़ी को भी और आने वाली पीढ़ी को भी हकीकत का आभास हो कि हकीकत में सही कौन था और गलत कौन था। मैं ये मान करके चलता हूँ कि इस प्रकार के सेमिनारों के माध्यम से, एक अच्छी राजनीतिक पहल के माध्यम से इशू को टेकअप किया जा सकता है। मैं एक आपको 1964 का उदाहरण देना चाहता हूँ। ये तमाम दृष्टांत इसलिए दे रहा हूँ कि जिस
शासक दल के साथ में इस कौम ने जुड़ करके उनको सत्ता में बिठाया। आज उस कौम की पीड़ा स्वयं उनके मुंह से सुने तो वो ज्यादा हमें अच्छा लगेगा। 1964 का वाक्या है, रामलीला मैदान के अंदर वाल्मीकि समाज की एक विशाल सभा होती है और उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया जाता है कि वो हमें संबोधित करें। अब नेहरू जी का क्या रिएक्शन था उस निमंत्रण पत्र को प्राप्त करने के बाद में, उसका मैं बयान जरूर करना चाहूंगा जिससे कि स्थिति का स्पष्टीकरण हो जाए। पहले तो नेहरू जी अपने वक्तव्य में जब वो आते हैं भाषण देने के लिए तो कहते हैं कि मैं हिचकटा रहा था, संकोच कर रहा था कि मैं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन अंततो गत्वा वो ये निश्चय कर लेता है कि मुझे जाना है और संबोधन देना है। और जब वो आते हैं तो उनके संबोधन के बहुत सारे वाक्यों में से एक वाक्य जो इस वक्त मैं दोहराना चाहूँगा वो ये था, और वो ये था कि इस मुल्क ने आज़ादी तो प्राप्त कर ली। 47 में मुल्क आज़ाद हुआ और 64 में पंडित जी को उस सभा को संबोधित करने का मौका मिलता है। तब पंडित जी कहते हैं कि हुकूमत तो हमारी है और हम लोगों ने ही आपसे वादा किया था कि आपकी माली हालत को और आपकी दूसरी दशाओं को सुधारेंगे, लेकिन मुझे संकोच हो रहा था कि मैं किस मुंह से आपके सामने आऊं और इन चीजों का बयान करूं। कहने का मेरा अभिप्राय है कि जो सत्ता दल इनके बलबूते पर सत्ता में आया था वो दल भी इस बात के लिए अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहा था कि हमने इस कौम के लिए कुछ भी नहीं किया। और जिसकी पीड़ा पंडित नेहरू जी के बाद में उनकी लड़की इंदिरा गांधी ने भी व्यक्त की है, और इंदिरा गांधी के इंतकाल के बाद में जब उनके लड़के संजीव राजीव गांधी को जब प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने संबोधन में इस कौम की दुर्दशा को देखने के बाद में दुख प्रकट करते हुए यही कहा कि आज भी ये समाज उन्हीं दशाओं से गुजर रहा है जो सदियों पहले से गुजर रहा था। आज पंडित जी नहीं है, इंदिरा जी नहीं है और उनके लड़के नहीं है, लेकिन आज राहुल तो हमारे बीच में है। राहुल भी एक बार जब संबोधन करते रहे थे तब उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि वास्तव में इस कौम की आज भी दुर्दशा है। तो चाहे राजनीतिक दर पर हम बात करें, चाहे शैक्षणिक जगत पर बात करें और चाहे किसी और स्तर पर बात करें, ये कौम आज भी उन मतलब हालात से नहीं गुजर पा रही है जिन हालात में वो सदियों पहले रह रहे थे। मैं तो प्रोफेसर थोर्ट साहब को, उनके साथियों को और खास करके जिस संस्था के माध्यम से इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं उनका मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि वो कम से कम इस कौम से ताल्लुक रखने वाले ऐसे बर्निंग टॉपिक के ऊपर कम से कम बातचीत करने का लोगों को अवसर दे रहे हैं, हकीकत को जानने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इन्हीं लफ्जों के साथ में अपनी बात को यहीं पर विश्राम देता हूं। धन्यवाद सर, आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यासपूर्ण ऐसे विस्तार से आपका विवेचन रखा है। इस विषय पर आपका गहरा संशोधन आपके दीर्घ पूछने के लिए निश्चित ही हमारे लिए एक पथदर्शक रहेगा। थैंक यू सो मच सर। इसके बाद में इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हमारे मार्गदर्शक ऑनरेबल डॉक्टर सर, आपको मैं इस समर अजीज पीएचडी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ केरला आपका परिचय देने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ। हेलो हेलो विद्या मैडम। यस सर,
हाँ थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूँ आपका, मला वाटतं की मला वाटतं झूमच्या सॉफ्टवेअर मध्ये काहीतरी अपडेशन आलेलं आहे, त्याच्यामुळे तो डिस्कनेक्ट होतोय. इनकेस जर कुठल्या कारणाने डिस्कनेक्ट झाला तर सगळ्यांना माझी रिक्वेस्ट आहे की त्यांनी लगेच रिकनेक्ट करा त्याला. ओके सर, ओके ओके प्लीज, थँक्यू. ओके ओके प्लीज समर. या प्लीज प्रोसीड. ओके Sukhada Turat sir, he is a professor emeritus, Center for the Study of Religion Development, School of Social Science, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Distinguished professor Savitribai Phule University, Pune, Maharashtra. K.R. Narayana, Chair for Human Rights and Social Justice, Mahatma Gandhi University, Kerala, Honorary. Chairman, Indian Institute of Dalit Studies, New Delhi. Former Chairman of University Grants Commission. And former chairman of Indian Council of Social Science Research. Yes, sir. Sir, आप mute हैं. Sir, unmute. हाँ. आप सब लोगों ने डॉक्टर श्यामलाल जी का भाषण सुना. यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इतनी अच्छी कमेंट जो है उनके भाषण पर आई है. विलास तेलघोटे कह रहे हैं कि थैंक्स टू डॉक्टर हजारे एंड सर डॉक्टर कामले फॉर ऑर्गेनाइजिंग लेक्चर ऑफ सच ए ब्रिलियंट पर्सनालिटी ऑन डिफरेंट इश्यू इन सोसाइटी. हजारे कहते हैं कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर. और भी ऐसी कमेंट आई है जो उनके भाषण की काफी तारीफ कर रहे हैं. एक सज्जन ने लिखा है कि श्यामलाल जी मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा है कि आपकी किताब का मराठी में अनुवाद हो. हम कोशिश करेंगे कि मराठी में वो किताब आए. मुझे लगता है बिल्कुल सही है कि वो आनी चाहिए और हिंदी में भी आनी चाहिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मराठी में आए. मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इस कमेंट की तरह मुझे भी लगता है कि आपने बहुत ही विचारपूर्ण और भाषण दिया है, जिसमें आपने एक बात को साफ किया है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे वो दिल से सारे दलित समाज को के लिए काम करते थे. उसमें वाल्मीकि समाज या बंगी समाज जो कहा जाता है उसका बहुत बड़ा उनके इसमें हिस्सा था. आपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके और अभ्यास करके स्टडी करके आपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए और उनकी जो करनी थी वो कैसे वाल्मीकि समाज भी उनके दिल के नज़दीक था. भगवान दास में भी अपनी किताब में लिखा है, उसका उदाहरण आपने दिया. जो 10-15 लोगों को स्टूडेंट को जो फॉरेन कंट्रीज में भेजा उसमें भी उनका एक हिस्सा था. सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आपने नासिक का दिया कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर किस तरह नासिक में एक जो सज्जन थे उनके घर जाते थे, खाना खाते थे. और सबसे बड़ी अच्छी बात आपने सामने निकाली, मैंने आपकी किताब पढ़ी थी लेकिन मेरे दिमाग से उतर गया था, कि उन्होंने महाराष्ट्र में और दिल्ली में भी वाल्मीकि वर्कर की एसोसिएशन बनाई. उसके लिए एक फोरसाइट होनी चाहिए, एक समझ होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए कि समाज की हालत खराब है और इसको इसको इकट्ठा करना जरूर है. डॉक्टर श्यामलाल आपको ये भी अंदाजा होगा, आपने शायद अपनी किताब में लिखा है कि जब पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तब पाकिस्तान की असेंबली में बहुत डिस्कशन हुआ था कि जो स्कैवेंजिंग कम्युनिटी है वहाँ की, हिंदू स्कैवेंजिंग कम्युनिटी, इनको वापस भेजा जाए या नहीं. तो वहाँ एक अभी मेरी जॉन है, मेरी गिल है, जो क्रिश्चन है लेकिन वाल्मीकि समाज की है और वो पंजाब असेंबली में भी रही है. तो उसने अपने किताब में लिखा हुआ है कि कुछ मुस्लिम लेजिस्लेचर ने यह कहा कि यदि आप
वाल्मीकि कम्युनिटी को भेजेंगे तो ये स्कैवेंजिंग का काम कौन करेगा, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को रोका गया, कराची में रोका गया, और वहां से फिर खत आया बाबा साहेब को कि बाबा साहेब कुछ करें। और आपको याद होगा कि बाबा साहेब ने पंडित नेहरू को ये खत लिखा कि इन कम्युनिटी को रोका जा रहा है और इसको तुरंत वहां से लाने की कोशिश करनी चाहिए। कराची के भी लोगों ने लिखा था और उसके बाद मेरा ख्याल है काफी लोग आए, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे स्कैवेंजिंग कम्युनिटी के लोगों को, वाल्मीकि कम्युनिटी के लोगों को पाकिस्तान में रोक के रखा हुआ है, उनकी हालत खराब है वहां भी। तो मैं समझता हूँ कि आपने बहुत ही अभ्यास करके, फैक्ट्स को वेरीफाई करके अपने ये जो बाबा साहेब की जो मोमेंट है, बाबा साहेब का जो पर्सनल लाइफ है, एक्टिविटीज है, उन्होंने कैसा प्रैक्टिस में उतारा है, उनको प्रेम था, आदर था। और मैंने भी देवी दयाल की किताब पढ़ी है, जो देवी दयाल की किताब जो है, जो बाबा साहेब के साथ 1948 से 42 तक थे, तो उन्होंने उनकी डेली जो दिनचर्या थी बाबा साहेब की, उसमें इसका भी जिक्र आता है। तो मैं बड़ा आभारी हूँ आपका डॉक्टर श्यामलाल, हमारे रिलेशन बड़े अच्छे हैं, लेकिन आपने बड़े सब लोगों के सामने, यहाँ लगभग 52 लोग तो एक्चुअली प्रेजेंट है, लेकिन यूट्यूब से, टेलीग्राम से और भी लोग बहुत ज्वाइन किए होंगे, उन सबको आपने एक अलग पर्सपेक्टिव दिया कि ये जो गलत फहमी है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, ये दूर होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है उससे कुछ फायदा होगा, असर होगा। काउंटर फोर्सेस बहुत तगड़े हैं, अब उसके बारे में जिक्र क्या करें, ये किसको मालूम है कि वाल्मीकि रामायण लिखी थी या नहीं लिखी थी, लिखी है तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये तो समझना बड़ा मुश्किल है कि जाति व्यवस्था तो है रामायण में, और ये एक दलित ही जाति व्यवस्था को सपोर्ट करने वाली किताब लिख सकता है क्या, इसका सवाल रेस करना चाहिए। वो तो हिस्ट्री की बात है, वो देखिए, वो आप भी बताए हमें और भी लोगों ने बताना चाहिए कि यू कैन नॉट सपोर्ट एन आइडियोलॉजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट वाल्मीकि सपोर्ट एन आइडियोलॉजी विच ऑफ विच ही बिकेम द विक्टिम, जिससे उनकी कम्युनिटी को हानि पहुंची है। लेकिन ठीक है, इतिहास है, डिस्टर्ब करके लिखा जा रहा है, लिखा है तो ठीक है, इसमें क्या करें हम। तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने कहा है, मेरा ख्याल अच्छी चर्चा होगी। मैं विद्या चौर पगार को कहता हूँ कि वो आंसर क्वेश्चन सेशन ले ले, और हम अब शुरुआत करेंगे कि आपकी किताब मराठी में कैसी ट्रांसलेट हो, मेरे पास है, लेकिन ये कॉपी आप भेज दे तो अच्छा रहेगा, हम उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। विद्या चौर पगार जी सर, थैंक यू सर। Now this platform opens for the discussion. You can raise your hand or put your question in chat box also. आप सभी के लिए मंच खुला है, आपके सवाल है तो आप डायरेक्ट हाथ ऊपर कर सकते हो, या फिर आपका सवाल चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो। विद्या मैडम। हाँ सर। मेरा सवाल वैसे कम है, लेकिन मैं सर को बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। इतनी क्लैरिटी उनके एक्सप्लेनेशन में थी कि जिसकी मतलब आपका आवाज बहुत कम आ रहा है, आपका आवाज मेरा है हम मेरा। सर मैं लैपटॉप पे जाता हूँ, एक मिनट। हाँ प्लीज, एक मिनट। डिस्टर्ब नहीं किया। हेलो, आप ठीक है सर? बिल्कुल आ रही। सर मैं श्यामलाल सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके एक्सप्लेनेशन में, उनके स्पीच में इतनी क्लैरिटी थी, इतनी क्लैरिटी थी कि सर्वसामान्य आदमी भी उनकी बात समझ पाए, टेकअप करता है। तो इसलिए मैं श्यामलाल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
सर मैं एक सवाल तो नहीं मेरा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं मैं कि जो देश में गंदगी करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, आज वो टॉप पे बैठे हुए हैं, उनके हाथ में पावर है, उनके हाथ में पोजीशन है, उनके हाथ में सत्ता है, उनके हाथ में पैसा है, और देश में मान सम्मान जो मिल रहा है वही उनको मिल रहा है, लेकिन उन्होंने की हुई गंदगी जो तबका साफ कर रहा है, देश को क्लीन करने का काम कर रहा है, देश को स्वच्छ करने का काम कर रहा है, उसके ऊपर ये तबका बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा मानना ये था कि अगर 8-10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए भी ये तबका अपना काम बंद कर दे तो देश की हालत क्या होगी। सर आपके कमेंट्स में इस बात पे चाहता हूँ प्लीज। हाँ, मैं आपने जो सवाल पूछा है बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस सवाल का जवाब भी मैं बाबा साहब की भाषा में ही देना चाहूँगा। उनके बंगले पर एक बार वाल्मीकि समाज का ही व्यक्ति पहुँचा, और जब बाबा साहब ने उसकी दुर्दशा देखी तो उन्होंने यकायक उससे सवाल पूछा कि ये क्या हुआ तुम्हारे शरीर पर। अब आप उसका जवाब सुनिए। जवाब यह था कि एक अधिकारी के कहने पर मैं नाले के अंदर उतर गया, और नाले के अंदर जिस प्रकार का रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन के परिणाम स्वरूप मेरा पूरा शरीर जो है अपनी जगह जगह से फट चुका है। ये बात जब बाबा साहब ने उस वाल्मीकि व्यक्ति के मुंह से सुनी, तो अब आप उनका रिएक्शन भी सुन लीजिए कि बाबा साहब ने उस शख्स के ऊपर क्या दिया, और फिर मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। बाबा साहब इस कम्युनिटी के प्रति जितना लगाव और अपनत्व रख रहे थे, उस कम्युनिटी के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई अभाव था तो वो यही था कि दुनिया के और खास करके दलित समाजों के तमाम लोगों ने अम्बेडकर की बात को स्वीकार किया। उन्होंने जैसा भी कहा, उन तमाम बातों को उन्होंने अपने व्यवहारिक जीवन के अंदर प्रैक्टिकली उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इस कौम को समझाते समझाते थक चुका हूँ, लेकिन ये कौम आज भी मेरी बातों की तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। और उसका नतीजा उन्होंने वही कहा आपने कि आज जो इनके ऊपर अत्याचार करने वाले थे वो मुट्ठी भर लोग हैं, और वो मुट्ठी भर राजनीतिक सत्ता के माध्यम से सर्वोच्च पर बैठे हुए हैं, उनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और उन्होंने ये भी कहा, उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य का दौर था हमारे मुल्क के अंदर, उन्होंने कहा कि तुम 2 दिन के लिए अपना काम बंद कर दो तो हुकूमत तुम्हारे पैरों के अंदर आकर के प्रार्थना करने लगेगी कि इस दुर्दशा से हमें निकाल ली। लेकिन मैंने आपसे पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि ये राजनीतिक दल वाले अपनी ऐसी चतुराइयों से, अपने मीठे मीठे वचनों से इस कौम को इस तरीके से गुमराह कर देते हैं कि ये कौम किसी भी संत, किसी भी महात्मा, किसी भी वेल विशर की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं हाल ही में आपको देता हूँ कि गांधी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। गांधी ने कभी भी, जब बॉम्बे के अंदर आपकी हड़ताल हो गई थी सफाई कर्मचारियों की, और जब पेपरों के माध्यम से गांधी जी को ये पढ़ने को मिला कि बम्बई के एक सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है, तो मेरे मित्रों आपको ये जानकारी है या नहीं कि गांधी का फर्स्ट रिएक्शन क्या था? गांधी का फर्स्ट रिएक्शन यही था कि मैं हड़ताल के पक्ष में बिल्कुल नहीं, और विशेष करके सफाई कर्मचारियों को तो हड़ताल 1 दिन की नहीं, 1 घंटे की भी नहीं करनी चाहिए। वो इसलिए कि गांधी ने इस सफाई के पैसे को, धंधे को अपनी भाषा के अंदर इतना उच्च कोटि का व्यवसाय बना दिया कि कभी कोई सोच नहीं सकता है कि इस धंधे को छोड़ करके हम दूसरे धंधे को अपनाएं। अम्बेडकर ने इस कौम के संदर्भ में ही नहीं बल्कि तमाम दलित जातियों के संदर्भ में 2 बातें कही थी कि एक तो तुम एजुकेशन को प्राप्त करो, और दूसरा तुम्हारी कौम के साथ में जो हिंदू जाति व्यवस्था के कारण व्यवसाय को अटैच कर दिया गया है
उस व्यवसाय को परित्याग करो, उसको छोड़ दो। लेकिन आज मित्रों ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे राजनीतिक नेता जाकर के पैर को धोते हैं और उनकी महिमा का गुणगान करते हैं कि देखिए तुम कितने बड़े लक्की हो कि आज अमुक शख्स आकर के तुम्हारे पैरों को धो रहा है। तो इस प्रकार की जब भाषा का इस्तेमाल होता है तो ये जो कौम है वो कौम उनकी मीठी मीठी शब्दावली के अंदर गुमराह हो जाता है और अपने धंधे को नहीं छोड़ पाता है। और यही कारण है, आप देखिए, मैं और खुलकर के अगर बात करना चाहूं तो मित्र, इमरजेंसी लग गई थी और इमरजेंसी के बाद में बाबू जगजन राम जी ने अपनी एक अलग से राजनीतिक पार्टी बना दी जिसका नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। और तमाम राजनीतिक मतलब तमाम अपने दलित समाज के लोग बाबू जगजन राम जी के साथ में जुड़ गए थे। लेकिन ये कौम फिर भी उस वक्त कांग्रेस का पल्ला पकड़े हुए थी और ये मान करके हमारी वेतरणी अगर गंगा से कोई पार करा सकता है तो यही राजनीतिक दल और यही सत्ताधारी दल करवा सकता है। और आज मुल्क की आजादी के 75 साल के जश्न हम मना रहे जा रहे हैं, क्या स्थिति है? अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ यूपी का। 2017 के अंदर जब यूपी का चुनाव हुआ था तो वहां से एक बीजेपी का कैंडिडेट जो वाल्मीकि समाज का था वो एमपी का चुनाव लड़ रहा था और एमपी का चुनाव लड़ता था और वो जाट बाहुल्य क्षेत्र है श्रीमान, और जाट बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण वो अपना कप लेकर के जाता था साथ में और वो नीचे बैठता और अपने मतदाताओं को कहता कि मैं वाल्मीकि हूँ आ रहा, मुझे अपने कप में ही डाल दीजिए चाय। ये है इन 74-75 साल की मुल्क की आजादी का जीता जागता हुआ उदाहरण, जिस उदाहरण के अंदर इन वाल्मीकियों की क्या स्थिति बनी हुई। एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ आपको, अलवर का, राजस्थान का है। अलवर के अंदर एक लड़का पढ़ लिख करके जब BHU की IIT के अंदर दाखिला ले लेता है तो परिवार कमजोर है आर्थिक दृष्टि से, इसलिए वो लोन लेता है और लोन लेने के बाद में जब वो लोन की किस्तें नहीं चुका पाता है तो बैंक की तरफ से उसके ऊपर दबाव डाला जाता है। और दबाव डाला जाता है तो किसी ने उसको सलाह दी कि तू अपनी किडनी बेच दे और किडनी बेच करके तू जो है नहीं अपनी क्या कहे लोन की किस्तें चुका दे। जब वो किडनी बेचने के लिए हॉस्पिटल जाता है तो हॉस्पिटलों के पूछते हैं कि तू है किस जाति का ये बता, सारी चीजें तय हो जाती है श्रीमान। लेकिन जब उसकी जाति का प्रश्न आता है तो कोई किडनी खरीदने के लिए तैयार नहीं। आप कल्पना कीजिए जिस कौम की ये दुर्दशा हो मुल्क की आजादी के बाद में, उस कौम की क्या आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक स्थिति होगी। इसलिए जब तक कि इस कौम के अंदर एकता नहीं आएगी, और एकता आने वाले लोग भी नहीं बैठे हुए हैं, ये सब सत्ता के साथ में जुड़े हुए हैं और अपनी दुकानदारियों को चलाते हैं और उसी के कारण ये समाज एक नहीं हो पाया, कभी भी उन्होंने एकता की आवाज नहीं उठाई। इसलिए इसका तो जवाब सीधा साधा है कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे, और जिन्होंने संगठित होकर के अपनी आवाज को बुलंद की है ना, वो आज हमारे सामने खड़े हैं। मैं राजस्थान की दलित जातियों का स्टडी करने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आप देखिए 85 के अंदर राजस्थान असेंबली में हमारी कौम के 2 व्यक्ति MLA बन करके जाते थे। 85 से लेकर के 2018 तक एक भी शख्स MLA बन करके नहीं गया। अभी हाल ही के अंदर एक व्यक्ति एक राजनीतिक दल के टिकट पर लड़ा तो एक व्यक्ति 2018 के अंदर राजस्थान असेंबली के अंदर MLA बना हुआ है। जिस कौम की राजनीतिक कमजोरी हो वो कौम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। और बाबा साहब ने इस बात का आह्वान किया था कि अगर परिवर्तन लाना चाहते हो तो राजनीतिक चाबी तुम्हारे पास में होनी चाहिए। वो चाबी हमारे पास में नहीं है और नहीं होने के कारण हम भुगत रहे हैं, भटक रहे हैं। ये मेरा जवाब है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। डॉक्टर श्याम दयाल, आपने यूपी का जिक्र किया सर, तो पिछले कुछ महीने पहले जो एक सेक्सुअल असॉल्ट की केस हुई थी, उसके उस वक्त जो
इंटरव्यूज आई कुछ लोगों की, स्पेशली वाल्मीकि लोगों की, तो उन्होंने ये भी कहा था कि हमें ईंटों के घर नहीं बनाने देते, हमें अच्छे कपड़े पहनने नहीं देते, सरकारी जो जो पब्लिक रोड है उस पे चलने में परेशानियां होती है। तो जो नॉर्मल डेवलपमेंट भी है कि आपके पास पैसा है और आप ईंटों के घर बनाना चाहते हो, अच्छे घर में रहना चाहते हो, अच्छा खाना खाना चाहते हो, अच्छे कपड़े पहनना चाहते हो, वो भी पाबंदियां वो सामने आई, मैं बड़ा सरप्राइज हो गया था। जी, मैं उस पर भी लिख रहा हूँ। जी जी, ये जो अभी मैं आपसे थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ, मेरे एक साथी हैं जिन्होंने की हाथरस के ऊपर, हाथरस के बाद में आगरा कांड का हुआ है, और आगरा कांड के बाद में दिल्ली के अंदर कांड हुआ है, और अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर जोधपुर के अंदर जो कांड हुआ है, इन चारों कांडों की एक केस स्टडी मेरे साथी कर रहे हैं, और मैं उनके ऊपर थोड़ा सा मददगार साबित हो रहा हूँ, और वो जल्दी ही इस लाइमलाइट के अंदर आने वाली है। थैंक यू सर। कोई है और किसी के सवाल? मैडम एक हाथ रेज है, किसी का हाथ रेज है? होलकर सर की एक, हर इंसान अपने आप में एक भंगी है, इस बात को कोई नहीं भूलना चाहिए। प्रेमराज खनेक, हैंड रेज तर नहीं दिसता है सर कोणाचा? ते म्यूट आहे, प्रेमराज खनखने म्यूट आहे, त्यांना सांगा म्हणा अनम्यूट व्हा। खनखने अनम्यूट करा, डॉक्टर खनखने। हां सर, प्रेमराज सर धन्यवाद। हां धन्यवाद डॉक्टर श्यामलाल जी, आपने बहुत ही यानी जो सत्यतापूर्ण गहराई में जो जानकारी दी है, और बाबा साहब का जो है राइटिंग एंड स्पीचेस का भी आपने जिक्र किया है कि राइटिंग एंड स्पीचेस में क्लीनिंग जो वर्कर्स है उनके लिए जो कुछ रास्ते बताए हैं, कि उनके दुर्दशा दूर करने के लिए कुछ रास्ते बताए हैं यानी कुछ मेजर्स बताए हैं, तो वो थोड़ा जानना चाहते थे कि उस वक्त यानी कौन से रास्ते यानी जो है बताए थे, जो मान कि उनको क्लीनिंग वर्कर्स को इससे यानी दूसरे बिजनेस में व्यवसाय में यानी उनको ले जाने के लिए यानी वो थोड़ा जानना चाहते। ऐसा है करकरे साहब, हिंदुस्तान के लेवल पर जहां तक मुझे स्मरण जा रहा है 68 के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, उस वक्त मैं एमए का विद्यार्थी था, और बॉम्बे के अंदर जो है कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडिया के तमाम वाल्मीकियों को लेकर के, और उनका एकमात्र लक्ष्य ये था कि जो महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग धड़े बने हुए हैं वाल्मीकि समाज के, और हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों के अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, उनको एक राष्ट्रीय स्तर पर एक किया जाए। अब इत्तेफाक से जोधपुर के अंदर जब इसकी जानकारी मिली, तो जैसा कि मैंने अपने संबोधन में गुजराती का जिक्र किया था, वो इसी कौम से ताल्लुक रखते थे और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और फ्रीडम फाइटर भी थे, उनके संग में मैं और मेरे बड़े भाई साहब और एक मांगीलाल जी आर्य जो बाद के अंदर यहाँ की कैबिनेट के अंदर मंत्री भी रहे थे, इस तरीके से हम चार जनों का एक डेलीगेशन बॉम्बे गया था, और वहां पर इंडिया के तमाम वाल्मीकियों ने मिलकर के एक ऑल इंडिया सफाई मजदूर कांग्रेस का गठन किया, और जिसके पहले अध्यक्ष बने थे प्रोफेसर यशवंत राव, जिसका कि मैंने जिक्र किया कि वो फॉरेन तालीम आपका लेने के लिए विदेश गए हुए थे, उनको बनाया, और उसके बाद में सरदार बूढ़ा सिंह को इन्होंने अपना अध्यक्ष बनाया। सरदार बूढ़ा सिंह लंबे समय तक कांग्रेस के अंदर गृह मंत्री भी रहे, रेलवे मंत्री भी रहे, और भी कई पदों पर रहे, लेकिन इनकी सोच केवल और केवल नगर पालिका के कर्मचारियों तक ही सीमित रही है, क्योंकि इनको वोट बैंक चाहिए, और वोट बैंक के लिए इनके पास में और कोई एरिया नहीं है सिवाय
सफाई कर्मचारी अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा। तो इन्होंने तमाम सफाई कर्मचारियों के अंदर भर्ती कैसी होनी चाहिए, कितने लोगों की भर्ती होनी चाहिए, इस प्रकार का अभियान इन्होंने जरूर चलाया, लेकिन कभी भी शिक्षित वर्ग को लेकर के उन्होंने कभी भी कोई प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया, कभी हुकूमतों के पास में उनकी रिकमेंडेशन नहीं की। नतीजा ये हुआ कि अशिक्षित वर्ग ही नगर पालिका के अंदर काम करके अपने आजीविका भरता रहा, लेकिन समाज का ये जो शिक्षित वर्ग था वो उपेक्षित रहा। और अब तो ये धीरे धीरे वो वर्ग भी खत्म होता जा रहा है। राजस्थान के अंदर मैं नहीं जानता कि महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, लेकिन हिंदुस्तान के कुछ प्रांतों के अंदर कुछ अपर कास्ट के लोगों को भी नगर निगमों के अंदर भर्ती करना शुरू कर दिया है। वो काम के तौर पर या डेजिनेशन के तौर पर तो शिपर कहलाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो शिपिंग का काम नहीं करते हैं, वो अफसरों के घर पर जाकर के वहां पर काम काज करते हैं, और काम इन्हीं कौम के लोगों को डबल डबल करना पड़ता है। तो दरअसल में इस कौम की लीडरशिप का एक सबसे बड़ा अभाव है, और वो लीडर उन्हीं व्यक्तियों में से चुना जाता है जो किसी सत्ता पक्ष के साथ में जुड़ा हुआ होता है, और जब सत्ता पक्ष के साथ जुड़े होने के कारण आप जो है कि उस बात को उस पुरजोर के साथ में नहीं रख सकते जितना कि एक इंडिपेंडेंट कोई व्यक्ति रख सकता है। और यही कारण है कि ये लोग नगर पालिका के दायरे से बाहर निकल ही नहीं रहे। जी धन्यवाद। और सवाल है कुछ? डॉक्टर श्यामलाल सर, मैं डॉक्टर श्रीकांत बोलते हैं नागपुर से। गेटिंग पॉलिटिकल पावर। सर मेरा आवाज आ रहा है? जी सर, मैं बहुत गंभीरता से मैं बहुत गंभीरता से इस विषय को सुन रहा था, आयोजकों में से भी एक हूँ। एक ग्राउंड रियलिटी मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं काफी साल से, कम से कम 10 से 12 साल हो गया, मैं इंटीरियर एरिया में काम करता हूँ, जहाँ पर नक्सल इम्पैक्ट एरिया है, ट्राइबल एरिया है, जो बहुत बहुत मतलब जंगल का इलाका जो है वहां पर की बातें देख रहा हूँ। और दूसरी तरफ शहरों में भी जहां पर ये जो कम्युनिटी है जिस प्रकार के काम करते हैं, तो लीडरशिप की बात जहां पर आती है, तो एक बात मुझे ध्यान में आ रही है बहुत बार कि कौन इन्हें लीड करता है। तो बहुत बार मैंने ये देखा है कि दोनों ही जगहों पर, मतलब जैसे मैंने दो अलग अलग एरिया बताया कि शहरों में भी भंगियों की कम्युनिटी एक बड़े पैमाने पे है, वैसे ट्राइबल की कम्युनिटी जंगल में सबसे ज्यादा है। दोनों ही जगह पर इन लोगों को लीड कौन करता है? तो आरएसएस के कुछ जो अंग है जो डायरेक्टली उनसे शायद जुड़े ना हो, लेकिन वनवासी कल्याण आश्रम जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वे, और शहरों में कुछ अलग ऑर्गेनाइजेशन है, वे रेगुलरली इन लोगों का मतलब प्रोग्राम लेते हैं, तो और ये लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो हमारे कम्युनिटी का या ऐसे कोई जो वाकई इन लोगों को लीड करना चाहिए, ऐसे कम्युनिटी का लीडरशिप या उनका प्रोग्राम, मुझे मतलब महाराष्ट्र के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ कि मैं देख नहीं पाता, मैंने देखा नहीं अभी तक, तो आप इसे कैसे डील करोगे? ऐसा है डॉक्टर साहब, आपने जो सवाल किया है वही सवाल हम लोग भी अपने प्रांत के अंदर फेस कर रहे हैं। दरअसल में हुआ क्या है, जो हर कौम के साथ में होता है, जब एक उपेक्षित वर्ग में से कुछ लोग पढ़ लिख करके दो कदम आगे निकल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो अशिक्षित तबका है वो उनको अपना नहीं मान करके और गैर मानने लगता है, और उसका नतीजा ये होता है कि उनके बीच में एक दूरी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। मुझे अनुभव है कि हम लोगों ने पढ़ने लिखने के दौरान में ही पढ़े लिखे तबकों का एक संगठन बनाया था, और संगठन बना करके इस कौम के अंदर सुधार करने की बात की, लेकिन क्योंकि अधिकांश लोग नगर निगमों में और नगर पालिकाओं में काम कर रहे थे, इसलिए उनका प्रभाव उन अधिकारियों का या उन नेताओं का ज्यादा था बनिस्पत हम लोगों का। नतीजा ये हुआ कि वो हमें अपनी बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। और यही बात जो है कि आप और हम
चाहे यहाँ जयपुर की बात करूं मैं, चाहे जोधपुर की बात करूं, ये पढ़े लिखे तबके को आगे आने नहीं देते। और जब तक पढ़ा लिखा तबका आगे नहीं आएगा तब तक, अभी मैं आपको ये किस्सा सुनाता हूँ। मांगीलाल जी आर्य जब केंद्र के अंदर बने हुए सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे नरसिंगा राव जी, उन्होंने एक मीटिंग ली थी। और जब मीटिंग चल रही थी तो मांगीलाल जी आर्य ने खड़े होकर के प्रधानमंत्री से एक गुजारिश की, और वो गुजारिश यह थी कि प्रधानमंत्री जी, ये अलग अलग राज्यों से जो आए हुए मंत्री हैं या आईएएस अधिकारी हैं, सेक्रेटरी है, आप उनको ये तो कहिए कि हम लोग जब जाएं तो कम से कम हमें रिसीव तो करें। लेकिन वो उनको रिसीव नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि उनको मालूम होता है कि चेयरमैन किस स्तर का व्यक्ति है। जब उनको मालूम पड़ेगा कि हमारा चेयरमैन जो है वो आठवीं क्लास पास है, तो आईएएस किस्म का व्यक्ति, चतुर चालाक है, वो इनको क्या घास डालेगा। तो ये लोग खुद ही समाज के दुश्मन नंबर वन है, मेरा अपना आंकना नहीं है। ये पढ़े लिखे तबके को आगे आने नहीं देते, और जैसे ही उनका नाम चलता है किसी पोजीशन के लिए, वो कहता है साहब इसको क्या बना रहे हो। अब मैं आपको भगवान दास जी का उदाहरण देता हूँ। जब ये सेंटर के अंदर सफाई कर्मचारी आयोग बन रहा था, तो भगवान दास जैसा शख्सियत जो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हो, जिसका उर्दू और हिंदी और अंग्रेजी के कमांड हो, उस व्यक्ति को जब सफाई कर्मचारी आयोग के अंदर मेंबर बनाने का मसला सामने आया हुकूमत के सामने, तो मैं नाम लेने में कोई संकोच नहीं करूंगा, यही हमारे बूंटा सिंह जी, यही हमारे मांगीलाल जी, खुले तौर पर ये कहने लगे तो ये तो अम्बेडकर राइट है, ये बुद्धिस्ट बन गया है, आप इसको कैसे चेयरमैन बना देंगे या इनको कैसे मेंबर बना देंगे। तो कुछ सीमा तक ये कौम स्वयं भी अपने पतन के लिए, अपनी बैकवर्ड के लिए जिम्मेदार है और कोई नहीं है, मेरा अपना आकलन। तो सर मैं आपका अध्ययन काफी अच्छा है, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यूपी में ये जो कम्युनिटी है बड़े पैमाने पे है, मुझे लगता है महाराष्ट्र के बाद यूपी ऐसा एक स्टेट है जहां पर बीएसपी के वजह से ये लोग सत्ता में कुछ रहे, तो सत्ता के ये 6-7 साल जो हम लोग देखते हैं, तो उसमें थोड़ा सा फोकस पर कर पाओ तो शायद अच्छा होगा, मेरा रिक्वेस्ट है। मैंने इसके संदर्भ में भी, हालांकि मेरा कभी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में, या ना मैंने कभी अध्ययन भी किया है, लेकिन कभी कभार वहाँ के लोगों के साथ में यदा कदा मेरा जो कन्वर्सेशन होता है, उसमें एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो शायद हमारे अपने लोगों को भी वो अच्छा ना लगे, लेकिन हकीकत ये ही है कि मायावती जी से हमारी एक उम्मीद थी कि वो तमाम दलित समाजों को लेकर के चलेगी, लेकिन अफसोस के साथ में ये कहना पड़ता है कि मायावती जी एक दलित विशेष तबके को बिलोंग करती थी। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने एक तबके को तो अपने पास में रखा, लेकिन दूसरे तबके को उपेक्षित कर दिया। नतीजा हुआ कि वाल्मीकि समाज का व्यक्ति बीएसपी से कट गया, और वो कटने के बाद में दूसरी जगह ढूंढने लगा। अब जैसा कि थोर साहब ने भी इस बात का जिक्र किया उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, मैं कहना चाहता हूँ कि जब हवा एक जगह से शिफ्ट हो जाती है तो उसकी खाली जगह लेने के लिए दूसरी हवा आती है, ये अपना आप में एक नेचुरल लॉ है। जब कांग्रेस ने इस कम्युनिटी के साथ में अपना संपर्क साधना बंद कर दिया, तो ये जो वैक्यूम पैदा हुआ था, इस वैक्यूम को भरने के लिए आरएसएस आ गई, विश्व हिंदू परिषद आ गया, बजरंग दल आ गया। आज मैं आपको दावे के साथ में कहता हूं कि वाल्मीकि राजस्थान का तबका अधिकांश मात्रा में बीजेपी के शरण में चला गया है। उसका कारण है कि उसको जब कहीं से कोई लीडरशिप नहीं मिलेगी, कहीं से कुछ उसके काम नहीं होंगे, तो वो निश्चित तौर पर ऐसे दल की ओर जाएगा जिस दल की तरफ उसे कुछ काम करने का मौका मिले। मैं जब बिहार में था तो वहां की एक स्टडी मैंने पढ़ी, और उस स्टडी के अंदर ये बताने की कोशिश की कि एक वक्त था जब ये मैतर या वाल्मीकि या भंगी कहलाने वाला तबका कांग्रेस का अनन्य भक्त था, और आज वो शिफ्ट होकर के चला गया है दूसरे राजनीतिक दल के साथ। यही आपके उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, यही आपका दिल्ली के अंदर हो रहा है।
मैंने दिल्ली की एक स्टडी की है, उस स्टडी के अंदर मैंने कहा कांग्रेस एंड बंगी, यानी कि आजादी के पहले से कांग्रेस के साथ में इस कम्युनिटी का संपर्क और संबंध रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि इमरजेंसी के बाद में भी इस कौम ने कांग्रेस को सपोर्ट किया, लेकिन बदले में कांग्रेस ने किया दिया इनको। आप देखिए ना, आरपीएससी हमारे यहाँ 1948 में बनती है और आरपीएससी में तमाम शेड्यूल कास्ट की कौमों का प्रतिनिधित्व होता है जिसको गवर्नमेंट नॉमिनी करती है। बहुत सी बार ये भी आक्षेप लगाया जाता है कि वाल्मीकि समाज मेजोरिटी में नहीं है, और मेजोरिटी में नहीं होने इसके कारण इनका कैंडिडेट विनेबल स्थिति में नहीं होता है और इसलिए हम इसको टिकट नहीं देते हैं। चलिए आपकी बात को मान लेते हैं, लेकिन नॉमिनेशन के अंदर तो आप इनको कर ही सकते हैं। आज तक राज्यसभा के अंदर एक व्यक्ति नहीं गया, आज तक आरपीएससी के अंदर एक व्यक्ति नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि एकत्रित नहीं है, संगठित नहीं है, इनकी वॉइस एक नहीं है। और यही कारण है कि ये कौम आज भी, चाहे शैक्षणिक दृष्टि से हो, राजनीतिक दृष्टि से हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, कहीं कुछ नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है इस कौम का। थैंक यू सर। ओके विद्या मैडम, कैरी करो। हाँ, ये सवाल अनिल कुमार जी का है। मैं 15 वर्ष तक स्वीपर कम्युनिटी के संपर्क में रहा, उन्हें अंबेडकरी पुस्तकें पत्रिकाएं देते रहा, मित्रता भी रही, कई घरों में खाना पीना चर्चा प्रचार करते रहा, किंतु वे शिक्षा क्षेत्र में हाई स्कूल के आगे नहीं पढ़ पाते, पढ़ाई की प्रेरणा उनमें निर्माण नहीं होती, यह बड़ी समस्या है। देखिए, ये बात राइट है कि मैंने जैसे आपको बताया कि इस कौम का मूल धंधा था मल को उठाना। हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहां पर कि इंसान के मल को इंसान ही ढोता है और वही उठाता है, इसलिए तमाम कौमों के लोग इससे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। और जब तक आप इसके व्यवसाय को बदलेंगे नहीं, तब तक आपके साथ में इसी तरीके का सलूक और इसी तरीके का व्यवहार होता रहेगा। अम्बेडकर साहब ने इस कौम को इसी बात की शिक्षा दी थी कि आप जो है अपने इस कौम के धंधे को छोड़िए और दूसरे प्रकार के धंधे को अपनाइए, और दूसरा आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए, शिक्षा दीजिए। लेकिन आज शिक्षा के मामले में तो मैं राजस्थान के आधार पर ये कह सकता हूँ कि तालीम की तरफ ये कौम धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की तरफ जब मैं निगाह डालता हूँ तो ये नजर आती है कि MA पास वाला लड़का भी आज नगर पालिका के अंदर सफाई कर्मचारी का काम करता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि अनऑफिशियली वो ऑफिस में बैठ करके बाबूगिरी का काम करता है, लेकिन डेजिनेशन तो उसका वही स्वीपर का हुआ। तो जॉब अपॉर्चुनिटी का उनके साथ में अभाव है, और जॉब अपॉर्चुनिटी के कारण ये लोग छोड़ना भी चाहते हैं अपने धंधे को, लेकिन ये नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ये परिस्थितियां इनके साथ है, लेकिन अब कुछ हुकूमतों की निग्लिजेंसी है, कुछ कौम की कमजोरी है, कुछ राजनीतिक उत्साह की कमजोरी है, ये बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण कि ये कौम राजनीतिक दृष्टि से आगे नहीं बढ़ पा रही। श्यामलाल जी, सर आपने बहुत अच्छा सवाल रेज किया और जवाब भी दिया कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी है जिनके साथ वाल्मीकि समाज था, जिसमें कांग्रेस का नाम दिया और पार्टी का लिया, और उनको जितनी स्पेस मिलनी चाहिए थी पॉलिटिकली वो मिली नहीं, और वही स्थिति और दलित की भी है। तो इसके चलते इन पार्टियों को छोड़ के दलित जो है और पार्टियों में जा रहा है। कुछ हद तक मायावती के साथ चले गया, कुछ हद तक समाजवादी पार्टी है और पार्टी के पास साथ चले गया। लेकिन गंभीरता की बात यह है, जिसके ऊपर आप अपना राय भी देते, कि पॉलिटिकल पावर नहीं मिलता, इसलिए पॉलिटिकल पावर के लिए पार्टियों में जाना ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ पावर। लेकिन ऐसे पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ चले जाए जिनकी विचारधारा उनके उनके हक में नहीं है, या उनको उनके अधिकार लेने के लिए लेने की बात करती है, ऐसी विचारधारा के साथ जाना कितना उचित है जो आप कह रहे हैं, पहले भी आपने अपने भाषण में कहा है,
जी ऐसी विचारधाराओं के साथ जा रहे, जो विचारधारा उन्हीं के पतन के लिए कारणीभूत है। ब्रह्मनिज्म है, कुछ तबका है जो जातिवाद का सपोर्ट करता है, कुछ तबका है जो मनुस्मृति को दोबारा लाने की बात कर रहा है। अब उसी तबके के साथ आप जुड़ोगे क्योंकि आपको पॉलिटिकल पावर उन पार्टी से नहीं मिला, इसलिए मेरा ख्याल है विचारों की कमिटमेंट ये बहुत जरूरी है। जो शायद अभी इसमें इस तरह की अंडरस्टैंडिंग, सभी वाल्मीकि की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन वो वाल्मीकि क्या और समाज में भी वही है, वो भी तो जा रहे हैं उन विचारधाराओं के साथ जिन विचारधाराओं के वजह से उनकी हालत खराब हुई है या अधोपतन हुआ है। तो ये मेरा ख्याल है क्राइसिस औरों का भी है लेकिन वाल्मीकि का भी है। इसका अर्थ ये नहीं कि और वाल्मीकि सही रास्ते, सही विचारधारा को नहीं मान रहे। जो अपने एक लिटरेरी फिगर है, कितने उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे है, लेकिन ये मसला जो आपने शुरू में रेज किया, ये मेरा ख्याल है ये सामने लाना बहुत जरूरी है। मैं एक थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा सर, आपने भी और दूसरे साथियों ने भी मेरे से जो सवाल पूछे हैं उसके पीछे मूल कारण ये है। कारण मैं जो समझ पा रहा हूँ ये है कि जैसा कि एक साइंस का नियम है कि जब हवा खत्म हो जाती है किसी स्थान विशेष से और एक वैक्यूम खाली जगह हो जाती है, उसको भरने के लिए दूसरी जो है हवा आती है, वही राजनीतिक दलों के साथ में ही हो रहा है। एक वक्त था जब कांग्रेस की नीति और रीति दोनों के अंदर एक समानता थी सर, लेकिन उस पुरानी पीढ़ी के चले जाने के बाद में जो नया वर्ग इस राजनीतिक दल में समावेश कर पाया है वो थोड़ा सा वही तबका है जिस तबके की तरफ आप और मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। वो तहे दिल से नहीं चाहता कि इस कौम का या दलितों का कहीं एक स्तर जो है कि हर तरीके से उच्च हो। नतीजा होता है कि वो ठीक है इनको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कीजिए और ज्यादा इनको बनाए। अब आप देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 1937 के अंदर जब असेंबलियों के चुनाव हुए थे और बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के तहत करीब, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा सर, 19 कैंडिडेट को उन्होंने खड़ा किया था इलेक्शन में, और 19 में से आप देखिए कि 17 कैंडिडेट आरपीआई के जीत करके आए थे लेबर पार्टी से है। और इधर आप देखिए कि मध्य प्रदेश जो उस वक्त दूसरे नाम से जाना जाता था, वहां का एक मुख्यमंत्री था, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसने एक हरिजन को कोई डिप्टी मिनिस्टर या कैबिनेट मंत्री बना दिया। और ये बात जब गांधी जी को पता चली तो गांधी जी ने उस मंत्री को बुला करके सीएम को बहुत बुरी तरीके से डांटा। डांटने के पीछे सर उसकी लॉजिक ये थी कि आज आपने इसको मंत्री बनाया है, इसके अंदर एक इच्छा की जागृति पैदा होगी कि मैं आज मंत्री बना हूं, कल मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो क्या आप इनको अगली टाइम मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे। और नतीजे वो है कि उस मध्य प्रदेश के उस वक्त के प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री इनको उस बेचारे ने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद में उसने अपना संबंध ही तोड़ दिया। कहने का मेरा मतलब यह है कि चाहे राजनीतिक दल कांग्रेस हो, चाहे राजनीतिक दल बीजेपी हो, और चाहे कोई और दल हो, इन दलों के अंदर लीडरशिप श्रीमान यही लोग कर रहे हैं जो मुट्ठी भर 4 या 5% की नहीं। इसलिए ये सही बात है श्यामलाल जी आपकी, लेकिन आपने भी ये मुद्दा उठा बताया, लेकिन मैं उसको थोड़ा रिएटेट करूंगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी दलितों को पावर देती नहीं, ये एक कारण है पार्टी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ने का। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पॉलिटिकल पावर न देना एक बात है, क्योंकि उसमें स्वार्थ है कि हमें मिलना चाहिए, आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा तो हमें नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो डॉक्टर अंबेडकर ने कही है, बाबा साहब ने कही है, कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी के पास जाओगे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का आप मैनिफेस्टो देख लीजिए, जो 1942 में लिखा उन्होंने, उसमें आखिरी के जो दो पेजेस है वो ये उन्होंने इस टाइटल में दिया हुआ है कि जो रिपब्लिकन पार्टी है या दलितों की पार्टी है वो किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ पॉलिटिकल अलायंस करे। तो उन्होंने साफ वहां लिख दिया है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो आरपीआई के विचारधारा के साथ नहीं जुड़ती है, उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ अफिलिएशन नहीं होना चाहिए, अलायंस नहीं होना चाहिए। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस हो
जो आरपीआई के साथ आरपीआई की विचारधारा को सपोर्ट करती है। और वो एक स्टेप जाके उन्होंने ये भी कहा है कि आरपीआई आरएसएस और हिंदू महासभा की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके साथ सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि उनकी विचारधारा उनको यह लगा कि वो दलितों के कल्याण की है नहीं, और पार्टी के साथ उन्होंने सपोर्ट करने की बात की, लोहिया की पार्टी समाजवादी लोकशाही समाजवादी पार्टी या और पार्टी उसका उन्होंने जिक्र किया। तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि पॉलिटिकल पावर न मिलना ये एक कारण है, और उसके वजह से फिर दलित जो है ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के पास जाते जहां उनको पॉलिटिकल पावर मिलेगा। लेकिन ये जो नया ट्रेंड आया है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के पास भी आप जा रहे हो जिनकी विचारधारा दलितों के प्रोग्राम और प्रगति के खिलाफ है, मेरा ख्याल है ये वाल्मीकि समाज का एक तबका है, इसको इसमें इनको समझ लेना चाहिए। और वाल्मीकि समाज ही नहीं है तो बहुत सारा दलित समाज जो है, अब आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र में जो है मैक्सिमम वोट जो पहले वाला इलेक्शन आया है मैक्सिमम वोट जो है दलितों के बुद्धिस्ट भी महार भी और भी कम्युनिटी ट्रांसफर हुई बीजेपी में और पॉलिटिकल पार्टीज में। तो ये मेरा ख्याल है आइडियोलॉजी का मुद्दा जो डॉक्टर बाबा साहब ने अम्बेडकर ने लिखा ये भी सामने आना चाहिए वाल्मीकि समाज और औरों के सामने भी। नहीं तो मैं आपसे एक निवेदन करूं ना सर, अभी हाल ही में मेरी एक पुस्तक आई है जिसका टाइटल भी मैंने दिया है क्राइसिस ऑफ दलित लीडरशिप, क्राइसिस ऑफ दलित लीडरशिप। इसके अंदर मैंने यही बताने की कोशिश की है कि बाबा साहब के बाद में एक तो मायावती जी से एक उम्मीद की जा रही थी कि वो दलितों की लीडरशिप के तौर पर इमर्ज होगी, दूसरा एक आज उम्मीद की जा रही थी बिहार से पासवान साहब के साथ में। लेकिन अब पासवान जी के संदर्भ में तो मैं केवल एक वाक्य में ही बात को विश्राम दे दूंगा, वो तो एक समाज वैज्ञानिक थे, वो जब हवा का रुख देखते उस हवा के रुख के साथ में वो अपनी राजनीतिक सोच को बदल लेते थे, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट है चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट है और चाहे मिली जुली कोई गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट में हमेशा पासवान साहब का अस्तित्व रहा। नतीजे ये रहा कि वो वहां जाने के बाद में कभी भी दलितों की उस तरीके से पैरवी नहीं कर सकते थे जितना कि उनसे हम और आप उम्मीद कर रहे थे। मायावती जी से जरूर एक उम्मीद थी कि वो उजपुर के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन आज जो मायावती जी की जो स्थिति हम देख रहे हैं और उसके अंदर भी जो पेपरों के माध्यम से अलग अलग बुद्धिजीवी व्यक्तियों के माध्यम से जो लेख लिखे जा रहे हैं उसके अंदर है कि वाल्मीकि तबके को हमेशा इसने उपेक्षित किया, नतीजे ये हुआ कि ये तबका भी उनके साथ में नहीं जुड़ पाया। तो कुछ कारणों से तो हमारी लीडरशिप ही नहीं है इंडिया लेवल के ऊपर, और स्टेट लेवल की तो लीडरशिप का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है सर, मेरा अपना ये ऑब्जर्वेशन। हाँ सही है, अब ये इशू को यही रोक देते हैं, हम ऐसा करेंगे कि अगला लेक्चर या उसके बाद का लेक्चर मैं कोशिश करूंगा कि दलितों की जो डिफरेंट पार्टियां है बीएसपी है आरपीआई है वंचित आघाड़ी है सोशल रिपब्लिकन पार्टी है ये सब जो है इन सबको इकट्ठा लाने की कोशिश करेंगे और एक कलेक्टिव डिस्कशन करेंगे पार्टी और आइडियोलॉजी पे। तो विद्या चौरपकार जी आगे बढ़िए आप इस इश्यू को। थैंक यू सर। अभी सवाल है प्रोफेसर विमल थोरात मैडम का, उसके बाद सचिन चापके सर का सवाल रहेगा। मैडम हाँ, पहले जो पहले हाथ जो चापके साहब का था उन्हीं से पहले उनको पहला मौका उनको दिए, मैं बाद में। ओके मैम, सचिन चापके सर। थैंक यू मैम। सर मैं नागपुर से सचिन चापके, मेरा सवाल है कि ऑब्वियसली ये जो वाल्मीकि समाज है मैं भी 10 साल से इस वाल्मीकि में ही रह के लगभग उनको जान रहा हूँ, तो सवाल ऐसा है कि ऑब्वियसली उनका जो उन्नति का रास्ता है वो अंबेडकरिज्म के जरिए ही जाता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि अंबेडकरिज्म के साथ उनको जोड़ने के लिए जो पुल तैयार होना चाहिए तो उसका आधार नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एजुकेशन के द्वारा साथ नहीं आ रहे है, रिलीजियस उनका जो आधार है वो उनको अलग अलग राहों पे लेके जा रहा है, तो ऐसे में अंबेडकरिज्म का जो मूवमेंट है उसका क्या नजरिया होना चाहिए? या देखिए ये सवाल आपने बहुत ही बढ़िया किया है, और कई बार ये सवाल हमारे राजस्थान स्तर पर भी कुछ लोग करते हैं,
हकीकत यह है कि अम्बेडकर साहब के नाम पर सैकड़ों की तादाद में आपको देश के अंदर, सैकड़ों की तादाद में राजस्थान के अंदर आपको ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन उनके व्यक्तिगत स्तर के लाभ के लिए है, समाज के लाभ के लिए उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ताकि वो हुकूमत के साथ में 10-15 आदमी के साथ में जाकर के वार्तालाप कर ले और अपने व्यक्तिगत जो स्वार्थ होते हैं उनको वो पूरा कर ले। आज अम्बेडकर के विचारधारा को गली गली और शहर शहर तक पहुंचाने के लिए जो अभियान चाहिए, जो कुर्बानियां चाहिए, जो डेडिकेटेड हमें कार्यकर्ता चाहिए, वो नहीं है। एक दौर था जब अम्बेडकर साहब की विचारधारा को फैलाया जा रहा था, और अब तो ये भी स्थिति हो गई है कि हुकूमतों से थोड़ी बहुत जो हमें प्रचार प्रसार के अंदर साहित्य के माध्यम से सहयोग मिलता था, वो सहयोग भी एक तरीके से खत्म होता जा रहा है। तो अब तो सवाल ये आ रहा है कि अम्बेडकर साहब की जो विचारधारा हमारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो भी नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि कोई ऐसा लीडर नहीं। आज आप महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र के किसी एक नेता का जिक्र कर दीजिए जो कि दलितों को लेकर के साथ में चल रहा हो। जहां तक राजस्थान का ताल्लुक है, मैं तो यहीं का जाया जन्मा व्यक्ति हूँ और यहीं रह करके मैंने तालीम ली और यहीं पर इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूँ। मुझे मालूम है कि हमारे यहाँ डिप्टी सीएम बने थे एक शख्स। हालत ये थी जनाब, उनके बारे में लोग कहते थे कि ये सीएम से बात करने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। तो ये दिखावे के तौर पर हमारी लीडरशिप भले ही डिप्टी सीएम बन जाए लेकिन कुछ नहीं हो पाता। और इसलिए अम्बेडकर साहब ने यह कहा था कि आप अपनी राजनीतिक दल बनाइए अलग से, वो भी हमने बना करके एक्सपेरिमेंट किया। मायावती जी का तो एक इंडिपेंडेंट राजनीतिक दल था और इंडिपेंडेंट राजनीतिक दल के माध्यम से वो सत्ता में भी आई, लेकिन काशीराम जी की डेथ के बाद में तो जिस तरीके का पतन हुआ इस बीएसपी का, और उस पतन की आज जो हम अंतिम परिणति देख रहे हैं वो सबके सामने, और यही हालत पासवान साहब का रहा। पासवान साहब थे तब तो उनकी पार्टी का थोड़ा बहुत जिक्र भी आता था, और जिस दिन से उनकी देहांत हुआ है उस दिन के बाद में वो भी नहीं रहे। तो कहाँ है लीडर आपका राजनीतिक दल में, चाहे वो कांग्रेस की बात करें और चाहे आप जो है अपने बीजेपी की बात करें, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि आवाज खोल सके। आपके उत्तर प्रदेश में तो इतना अत्याचार हो रहा है जिसकी कोई मिसाल नहीं है, लेकिन ये दूसरे जो ओबीसी वाले हैं ये तो फिर भी मुखर होकर के बोल रहे हैं। हमारे अपने एससी के कितने मंत्री और कितने एमएलए हैं या एमपी है जिन्होंने की बातें पेश की। जी जी, थैंक यू सर। मैडम हेलो हेलो हाँ मैडम आवाज है तो है हाँ शाम धन्यवाद मुझे समय देने के लिए श्यामलाल जी को जय भीम जय भीम डॉक्टर श्यामलाल जी आप मुझे पहचानते होंगे जी। आपका पूरा वक्तव्य मैं सुन नहीं पाई कुछ वजह से, लेकिन जो आखिरी जो सवाल जवाब है उसमें से मैं कुछ चुनिंदा बातें समझ पाई हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं जिस आंदोलन से जुड़ी हुई हूँ, सफाई कर्मचारी आंदोलन, जिसका ऑफिस दिल्ली में है और पूरे भारत वर्ष में वो काम कर रहे हैं, है ना। तो 4-5 साल पहले एक अभियान चलाया था जिसकी मैं एक बोर्ड मेंबर भी हूँ, सफाई कर्मचारी आंदोलन, एक मैला ढोने की प्रथा से मुक्ति, मैला ढोने की प्रथा से मुक्ति का एक आंदोलन चला, वो पूरे वर्ष तक पूरे भारत में चला, पूरे सभी जहां जहां पर ये स्कैवेंजिंग की प्रथा अभी जीवित है, मैला ढोने की प्रथा, तो लगभग 10,000 महिलाओं ने इसमें, आपको ध्यान होगा कि इस प्रथा में ज्यादातर महिलाएं जुड़ी हुई है, महिलाओं पर दबाव लाकर उनसे वो काम किया जाता है। 95% महिलाएं इसमें जुड़ी हुई है। तो महिलाओं ने जगह जगह पर अपनी टोकरी और आंदोलन के तहत
मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ मैडम आ रही है आवाज। या बाकी सहभागियों ने प्लीज अपना माइक म्यूट करें प्लीज। सत्यपाल वाघमारे सर आपका माइक ऑन है। वाघमारे सर आवाज येतो मध्ये मध्ये त्यामुळे आवाज माझी जात नाहीये। सत्यपाल वाघमारे सर म्यूट करा दो। इस मैला ढोने की प्रथा से मुक्ति का जो एक अभियान चला पूरे वर्ष तक, एक वर्ष तक, और जिसमें महिलाओं ने ही उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी थी, उनके ही नेतृत्व में चला। वहां की जितनी महिलाएं थी महिलाओं को ही ये नेतृत्व दिया और उन्होंने, यंग लड़कियों ने बहुत ज्यादा इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग किया और 10,000 से ज्यादा महिलाओं ने ये काम छोड़ दिया। काम छोड़ने का एक बहुत सिंबॉलिक तरीका था कि टोकरी और झाड़ू जलाना। तो ये प्रोग्राम लगभग साल भर तक चला और उससे काफी चेतना फैली है। लेकिन अम्बेडकर का ही नारा दे रहे थे, बाबा साहेब अम्बेडकर की ही बैनर के तले मुक्ति का ये अभियान चला। बाद में हमने ये लगभग चलता रहा और बीच में फिर जो 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 एक्टिविस्ट उसमें से उभर कर आए हैं, काम कर रहे हैं, वो आज भी काम कर रहे हैं, बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं कि मैला ढोने की प्रथा से सभी मुक्ति मिले और महिलाओं को, और साथ साथ गटर सफाई उतरते हैं, पुरुषों द्वारा ही ये काम करवाया जाता है। कभी वो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से दबाव डालकर या कभी वो जो शहर के जो म्युनिसिपल का कॉर्पोरेशन की तरफ, तो उसमें ही लगभग एक साल में 300 के करीब है सफाई कर्मचारियों की। उसके गटर में, गटर की जो अंदर जो गैस होती है उसमें दम घुटकर इस तरह से, और सबसे घिनौना और सबसे गलीच ये काम है। लेकिन ये जो जबरदस्ती से किया जा रहा है, क्या आप सोच रहे हैं या आप और हम ये सोच सकते हैं कि सबसे गलीच काम है वो अभी भी हमारे कर रहे हैं, उनसे जबरदस्ती करवाए जा रहा है, जबकि कानून कहता है कि किसी से शौच साफ करवाना, मतलब शौचालय साफ करवाना या शुष्क शौचालय बनाने पर भी कानून सजा देता है, लेकिन इसका कहीं पर भी पालन नहीं हो रहा। तो मेरा सवाल साथ में ये है कि क्या हम उस तरह की मानसिकता की तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? वाल्मीकि समाज या जो भी अलग जगह पर उनको अलग अलग नाम दिया गया है, तो इस कौम को क्या, मतलब दलित कौम को ये कभी मानने क्यों नहीं कि इस दलित काम से हम मुक्त होंगे और ऐसा काम करेगी जिससे कि उनकी पहचान ना हो। ऐसे काम भी किए जा सकते हैं, शहरों में बहुत सारे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, गांव में नहीं हो सकते लेकिन शहरों में हो सकते हैं। तो ये मानसिकता अभी उनके अंदर तैयार नहीं हो रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से वो लोग जुड़ेंगे नहीं, उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो सबसे जो अमानवीय जो प्रथा है और जो अमानवीय काम उनसे करवाया जा रहा है पूरी कौम के साथ, ये जो अन्याय हो रहा है बहुत, उनके उसके साथ उत्पीड़न भी जुड़ा हुआ है, महिलाओं के साथ बहुत उत्पीड़न होता है, बहुत ज्यादा उनके ऊपर हिंसा होती है। तो एक ही रास्ता हमारे सामने नहीं है कि या तो हम मन से ये नष्ट अलग हो जाए, जैसे कि बुद्धिस्ट हुए हैं, हिंदू धर्म से अलग होकर उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया है बाबा साहब की एक आवाहन पर, तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है, ये क्यों नहीं हो पा रहा? ऐसा है मैडम, चूंकि हिंदी के साहित्यकारों के साथ में जुड़ी रही हैं, आपकी अलग अलग सभा और सोसाइटी में आपकी उपस्थिति इस बात को दर्शाती रही है। मैं आपको बताता हूं कि ये इस मूल की मूल जो अभ्यवस्था है उसका कारण जो है कि ये जाति व्यवस्था है मैडम।
अब आप देखिए कि जब मुस्लिम लोग यहाँ आए तो पहली बार इस्लाम का उद्भव हिंदुस्तान के अंदर हुआ, और यहाँ के राजा महाराजाओं ने और जो उच्च पदों पर बैठे हुए शासक दल के लोग थे उन्होंने जो है कि नहीं इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। और उसके बाद में जब ये ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एडॉप्ट किया। अब हुआ क्या है, एक लोक कहावत है जिसका अभिप्राय यह है कि जहां जहां संतन के पांव पड़े वहां वहां पर बंटाधार हुआ, यानी कि इस्लाम के लोग जब आए तो इस्लाम के अंदर कास्टलेस सोसाइटी की हम बात करते हैं मैडम, लेकिन वहां पर भी हमें आज हिंदू समाज के साथ में जैसे ही इस्लाम का संपर्क हुआ तो वहां पर हमें अनेक प्रकार की जातियां देखने को मिलती है। क्रिश्चियनिटी की बात करें तो क्रिश्चियनिटी भी कास्टलेस सोसाइटी की बात करती है, लेकिन आप साउथ की स्टडी का अध्ययन कीजिए, वहां पर चूंकि ब्राह्मणों ने क्रिश्चियनिटी को एडॉप्ट किया था तो उनका जहां चर्च है उस चर्च में कन्वर्टेड दलितों को जगह नहीं दी जा रही है। इसी तरीके से जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 के अंदर बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया तो मेजोरिटी के अंदर अपनाने वाले वहां के लोकल महार लोग थे, और महारों ने जब कन्वर्जन कर लिया तो दूसरी जातियों को अपनी तरफ आने से उन्होंने रोकने का प्रयास किया, और उन्होंने एकाधिकार इस मायने में कर लिया कि बुद्धिज्म तो हमारे ही है और किसी का नहीं। आपने डॉक्टर चौहान की, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर चौहान का अभी हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसमें समाचार जो एक्सचेंज हुए थे अलग अलग साहित्यकारों में, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने बुद्धिज्म को एडॉप्ट कर लिया और उसके बाद में मैंने अपनी लड़की की शादी बुद्धिस्ट कन्वर्टेड दलित लोगों के साथ में करने की बात की तो उन्होंने मेरी लड़की का विवाह नहीं किया, और इसलिए नहीं किया कि मैं वाल्मीकि को बिलोंग करता था। कहने का मेरा अभिप्राय यह कि जहां भी जाएंगे आप वहां पर आपको इस प्रकार की जाति व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, चाहे हम क्रिश्चियनिटी की बात करें, चाहे मुस्लिम समाज इस्लाम की बात करें, और चाहे बुद्धिज्म की। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन जो अलग अलग साहित्यों को पढ़ने के बाद में हुआ है वो ये है, और इसी के कारण ये समाज मान लीजिए बुद्धिज्म को भी अडॉप्ट करता है तो बुद्धिज्म के अंदर भी क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का अगर दबदबा है, उनका बहुमत है, तो वो फिर रोटी बेटी का संबंध नहीं करेंगे, इसलिए ये प्रॉब्लम। जी नहीं, आपकी बात बहुत हद तक मैं मान लेती हूँ, लेकिन जो जो लोग जिन्होंने हिंदू धर्म से इतर धर्म में जो प्रवेश किया है या उसे उसे अपनाया है उन्होंने प्रगति भी की, उनकी प्रगति को देखते हैं आप देख सकते हैं कि उनकी प्रगति तब हुई है जब वो इस्लाम में गए हैं या क्रिश्चियनिटी में गए हैं तो उनकी प्रगति हुई है, लेकिन बुद्धिज्म की तरफ आने में बहुत हिचकिचाहट है उनके अंदर, अभी वो मन नहीं बना पा रहे हैं, वो अभी संत नहीं देख पा रहे हैं। सुषमा टागोरे का उदाहरण लीजिए, इतनी बड़ी लेखिका है, देश और विदेश में उनकी रचनाएं पढ़ी जाती है और लगी हुई है, यूनिवर्सिटी में लगी हुई है, लेकिन हिंदू धर्म को वो नहीं छोड़ पाई है। अम्बेडकर राइट वो जरूर है, अम्बेडकर बाबा साहब की विचारधारा पर ही उनकी सारा लेखन वही चेतना है, वही उसी चेतना की अभिव्यक्ति है, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में वो हिंदू धर्म को ही अपनाए हैं। वैसे ही बहुत सारे लेखक है, मैं किन किन के नाम लूं, जूठन को आप पढ़ा होगा, ओम प्रकाश वाली की, उन्होंने मतलब अम्बेडकर को सभी एक्सेप्ट करते हैं, उनकी लेखन के क्षेत्र में उतरे हैं, तभी उनकी लेखनी से लेखनी में ये बहुत ज्यादा तेज धार आई है। लेकिन धर्म की जब बात आती है व्यक्तिगत तौर पर तो वहां जाकर वही फिर घालमेल हो जाती है, वाल्मीकि कहते हैं, वाल्मीकि तो हम जानते ही है सभी के रामायण को लिखे होता है, रामायण के पहले पहले लेखक माने जाते हैं। तो जब हम राम की पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो वही धर्म के आधार पर जाति व्यवस्था की बात की,
उसी जाति व्यवस्था के उस चक्कर में ही आप वहीं पर फंसे रहेंगे, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि मैं बहुत करीब से पिछले कई वर्षों से, लगभग 25 वर्षों से मैं दलित सफाई कर्मचारी आंदोलन से जुड़ी हुई हूँ, और हर जगह पर मैं मौजूद रहती हूँ, हर मीटिंग में मौजूद रहती हूँ, हजारों लोगों के साथ संपर्क, उससे भी ज्यादा। तो यही मैंने देखा है कि मेरे धर्म से आप अलग नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे। सबसे गलीज और सबसे अमानवीय जिसे कहना चाहिए, वो उस काम से नफरत अंदर जब तक घृणा निर्माण नहीं होगी आपके अंदर, ये काम मैं क्यों करूं जो मुझे जाति व्यवस्था ने जबरदस्ती मेरे ऊपर थोपा है, तो उसको मैं उससे मुक्त होना चाहता हूँ, मैं मुक्त होना चाहती हूँ। उसी दिन ये परिवर्तन की वो एक रेखा है वो खींची जाएगी, और स्कैवेंजिंग का जो मैला ढोने की प्रथा है, गटर सफाई है, तमाम उससे जुड़े हुए जितने भी गलीज काम है, मतलब अमानवीय है ये, तो कोई भी इनह्यूमन है, मतलब उन लोगों को ह्यूमन माना ही नहीं जाता है, मतलब उनको व्यक्ति माना ही नहीं जाता है, उनकी पहचान ही नहीं बन पाती है। तो मुझे लगता है यही एक रास्ता होगा कि डॉक्टर आम्बेडकर की बताए रास्ते पर चले और इस काम से मुक्ति पाए, जहां तक मैं समझ पाई हूँ, बहुत करीब से मैंने ये इनको देखा है। तो केवल राजनीतिक नेताओं से ये नहीं होगा, ये आपके अंदर की उस अंदर की जो आपकी जो शक्ति है, जो अंदर की विचार शक्ति है, उसे टटोलना होगा, उस विवेक को टटोलना होगा, और उस विवेक के आधार पर ही आप इससे मुक्ति पा सकते हैं, मेरा ये मानना है। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर श्यामलाल जी। थैंक यू मैडम, और आगे भी आपसे इसी तरह से बातचीत होती रहेगी। अब विद्या में आप अपना प्रोग्राम आगे चलाएं। थैंक यू। एक सवाल है, आप नागप्पा होलकर सर, आप हो नागप्पा होलकर सर? डॉक्टर नवनाथ सोनोने सर, आपका सवाल है? सवाल है तो सीधा सवाल पूछिए प्लीज। मैडम क्लोज करा, सवाल न से प्रश्न न से तर क्लोज करा। ओके ठीक है। ओके सर, हेलो हेलो मैडम जी। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ये जो डिस्कशन में जो लग रहा है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, आइडियोलॉजी और लीडरशिप, कौन सी इम्पोर्टेंट है? सर प्रोफेसर डॉक्टर श्यामलाल सर, आप म्यूट हो गए सर। हेलो मैम। हाँ हेलो सर, एक मिनट थांबा, एक क्वेश्चन घेतला आहे, सुजोय कांती सर बोलता है। हेलो श्यामलाल सर, आप अनम्यूट कीजिए सर, वहां से आप म्यूट हो। हेलो, हाँ अनम्यूट कीजिए सर। हाँ सुजोय कांति जी पूछ रहे हैं कि लीडरशिप या आइडियोलॉजी जरूरी है, कौन सी बात जरूरी है इस विषय को चर्चा करें। मैडम अपने ये माना कि दोनों कोई भी अपनी लीडरशिप का भी है और आइडियोलॉजी का भी है, क्योंकि अगर दोनों के अंदर मत मतांतर होगा तो ना तो लीडरशिप आपके लिए हो पाएगी और ना ही आपकी जो है लीडरशिप डेवलप हो पाएगी। और आप देख रहे हैं कि अभी थोरू साहब ने भी यही कहा कि आरपीआई का जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो के लास्ट के दो पेज के संदर्भ में बाबा साहब ये लिखते हैं कि आरपीआई का उन्हीं राजनीतिक दलों के साथ में संपर्क होगा या अलायंस होगा जो हमारे प्रोग्राम को और हमारी फिलोसफी के साथ में कहीं समझौता या एडजस्टमेंट करने की क्षमता रखते हैं।
अगर वो हमारे प्रोग्राम और हमारी आइडियोलॉजी के साथ में कहीं समझौता नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें उनके साथ में नहीं जुड़ना चाहिए। तो सारे नहीं, लीडरशिप का जन्म होता है ना, अगर हमारी लड़खड़ाएगी तो फिर लीडरशिप आप उस आइडियोलॉजी के ऊपर डेवलप हो है मेरा। ओके सर, थैंक यू। हाँ डॉक्टर नवनाथ सोनोने सर, ये आखिरी सवाल रहेगा। नवनाथ सोनोने, हेलो मैम। हाँ सर बोलिए। जय भीम, जय भीम चामलाल सर, जय भीम। सर एक्चुअली जो आपने लीडरशिप और जो मूवमेंट की बात बोली राजस्थान के ऊपर और वाल्मीकि, एक्चुअली सर ये वाल्मीकि का जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो उत्तर भारत में है, तो वहाँ का वो ट्रेडिशनल वर्क और मॉडर्निटी में क्या भंगी वाल्मीकि समाज की भूमिका रही है, इसका थोड़ा विश्लेषण कीजिए। देखिए मैं अब आपको एक उदाहरण का नाम तो सुना है, सुलभ इंटरनेशनल, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि बिंदेश्वर पाठक साहब चला रहे हैं, और जहां तक मेरी अपनी हाँ आवाज आ रही है सर बोलिए, जहां तक मेरी अपनी जानकारी है लोगों की मानसिकता ये है कि किसी भी दूसरी जाति के लोगों को आप कोई दूसरा काम सौंप दीजिए, लेकिन इस वाल्मीकि जाति के किसी भी व्यक्ति को इसके अलावा दूसरा काम ना दीजिए। ये मानसिकता राजस्थान के संदर्भ में मैं आपको बयान कर रहा हूँ, और ये मानसिकता केवल राजस्थान के संदर्भ में नहीं है बल्कि पूरे नॉर्थन इंडिया की जो मानसिकता है उसका मैं जिक्र करता हूँ, मेरा अपना अध्ययन गुजरात में ये सिचुएशन है सर। तो आप चूंकि अगर आप गुजरात, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात तो वक्त है एक ही, तो महाराष्ट्र और गुजरात आज भी आप देखिए गुजरात की क्या स्थिति बनी हुई है। गुजरात के अंदर गांधी को गुजरात, लेकिन गांधी जी ने जिस तरीके का एक माहौल बनाया उस वो माहौल आज हमें कहीं देखने को नजर नहीं आता है। तो मेरा तो अपना आकलन यही है कि चाहे कितना भी परिवर्तन लाए जब तक इस कौम के अंदर, जैसा कि मैडम थोरेट ने भी इस बात का जिक्र किया, झाड़ू से लेकर जब तक के अंदर इस प्रकार डेवलप नहीं कि इसको छोड़कर हम दूसरे धर्म को स्वीकार करें, और जिन जिन्होंने भी दूसरे धर्म में जाकर के उनका हुआ है, चाहे सिक्की जब की बात करें, चाहे इस्लाम की बात करें, चाहे क्रिश्चियनिटी की बात करें, और चाहे लेटेस्ट के अंदर बुद्धिज्म की हम बात करें। थैंक यू सर। मेरे ख्याल से अभी सवाल नहीं है। थैंक यू रिस्पेक्टेड प्रोफेसर श्यामलाल सर, आपके अनुभव जब आप बता रहे थे उसमें न केवल अभ्यास था बल्कि एक सच्चाई थी, एक दर्द भी था, एक भावना भी थी, और यही आज जितने लोग आपको सुन रहे हैं YouTube से, Facebook से, जो भी लोग आपको सुन रहे हैं, आपकी आवाज को आवाम तक पहुंचाने के लिए अपना एक रास्ता तय करेंगे, ताकि वाल्मीकि कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी का जो जीवन इतिहास और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का इस कम्युनिटी के लिए जो योगदान रहा है वो समझ सके, और समाज इस विषय की सच्चाई को आगे बढ़ाने के लिए मिलजुल कर आगे कदम उठाए, इस उम्मीद के साथ हम इस चर्चा को विराम देते हैं और इस वेबिनार की चर्चा का आभार व्यक्त करने के लिए मैं प्रोफेसर सचिन चापले सर, जो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राष्ट्र संत गुरुजी महाराज नागपुर विद्यापीठ से हमारे साथ मौजूद है, मैं अनुरोध करती हूँ कि आप आभार व्यक्त करें। सचिन म्यूट है तो हाँ। थैंक यू मैम।
एसोसिएशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इस विचार मंच की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉन्ट्रीब्यूशन इन मूवमेंट ऑफ वाल्मीकि कम्युनिटी इस विषय पर वेबिनार आयोजित किया गया, जिस वेबिनार के आखिरी पड़ाव में मुझे सभी सम्मिलित विशेषज्ञों और सम्मिलित प्रबुद्धों को धन्यवाद अदा करने की जिम्मेदारी का अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं तहे दिल से एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वेबिनार की अध्यक्षता जिन्होंने निभाई, ऐसे हमारे सभी के वरिष्ठ मार्गदर्शक डॉक्टर सुखदेव थोराज सर को मैं एसोसिएशन की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज के इस वेबिनार के प्रमुख वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर श्यामलाल सर, जिन्होंने अपनी बात बड़ी संजीदगी से विद्वत्तापूर्ण और बुनियादी अनुसंधान के आधार पर रखी, आपको भी मैं एसोसिएशन की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। विचार मंच की ओर से वैचारिक आंदोलन के आधार स्तंभ डॉक्टर विमल थोरात मैडम का भी मैं एसोसिएशन की ओर से धन्यवाद अदा करता हूँ। इस वेबिनार का प्रास्ताविक जिन्होंने किया डॉक्टर गौतम कामले सर और आयोजक डॉक्टर त्रिलोक हजारे सर का भी एसोसिएशन की ओर से मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। आज के वेबिनार के प्रमुख वक्ता एवं अध्यक्ष सर का परिचय जिन्होंने अदा दिया डॉक्टर सारिका पाटिल मैडम समर अहमद का भी मैं एसोसिएशन की ओर से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम को बड़े ही संजीदगी से के साथ जिन्होंने संचालित किया, ऐसे प्रोफेसर विद्या चोरपगार मैडम का भी मैं एसोसिएशन की ओर से धन्यवाद देता हूँ। इस संवादात्मक वेबिनार में अपनी बात रखने वाले और सवाल पूछने वाले सभी विशेषज्ञों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वेबिनार को सुचारू रूप से संचालित होने के लिए तांत्रिक विशेषज्ञ के रूप में भूमिका निभाई, ऐसे डॉक्टर श्रीकांत बहोते सर का भी मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। साथ ही वेबिनार में सम्मिलित डॉक्टर एनसी मेश्राम, महेंद्र नागदेवे, डॉक्टर अशोक गायकवाड़, डॉक्टर सुनीता सावरकर, विकास मिचेकर सर, डीजे डांगे सर, डॉक्टर हरीश बावनगढ़े, किशोर खांडेकर सर, के प्रेमराज सर, जीएस बोरकर, गौरव काथेवार, नागप्पा होलकर सर, निधि शेरे, नीता खांडेकर, प्रदीप नगरारे, सारिका पाटिल, स्वप्निल पाटिल, जय सिंह, राजकुमार सालवी, शुद्धोदन देशभ्रतार, दीक्षा चौरपगार, सुशील मंडल, टी एस मोरे, वैशाली मोहर, वैशाली सरदार, विशाखा कासारे, श्रुयांश गवई, सुजोत घोषाल, अजय सावटकर, अनिल कुमार, भरत नाईक, जय कुमार, मनोहर थोरात, नीरज कुमार अंबोरे, रमेश दांडगे, प्रीतिश परिश भगत, प्रकाश कामले, रघुनाथ साकेत, शील गौतम, सुगंधा खांडेकर, विलास तेलगोटे, विनीत दुपारे, वामन खोबरागड़े, अनित गबने, विनायक कांबड़े, विठ्ठलदास प्यागे, सोडी सर, मोहन वानखेड़े सर, अशोक गायमुके सर, इन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। जाने अनजाने जिन मान्यवरों का नाम छूट गया, उन सभी का एसोसिएशन के ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिन महानुभावों का वेबिनार के लिए सहयोग हासिल हुआ, उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अध्यक्षता की अनुमति से इस वेबिनार का समापन हुआ, ऐसा घोषित कर मैडम को। थैंक यू सचिन, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीकांत सर, प्लीज।